जी वाहेगुरु जी, अक्सर वाहेगुरु जी की जसमीत कौर जी, आप जी शुरू करोगे राम किले की बात। हाँ जी बीजी, वाहिगुरु वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। श्लोक गुरुदेव माता, गुरुदेव पिता, गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा, गुरुदेव सखा ज्ञान भंजन, गुरुदेव बंधव सहोदरा, गुरुदेव दाता हर नाम उपदेश है, गुरुदेव मंत निरोधरा, गुरुदेव सान सत बुद्ध मूरत, गुरुदेव पारस परस्परा, गुरुदेव तीर्थ अमृत सरोवर, गुरु ज्ञान वजना परंपरा, गुरुदेव करता सब पाप हरता, गुरुदेव पतित पवित्रा, गुरुदेव आ जुगाद जुग जुग, गुरुदेव मंत हर जा पुदरा, गुरुदेव संगत प्रमेल कर कृपा, हम मूढ़ पापी जित लगतरा, गुरुदेव सतगुर पार ब्रह्म परमेश्वर, गुरुदेव नानक हर नमस्करा, गुरुदेव सतगुर पार ब्रह्म परमेश्वर, गुरुदेव नानक हर नमस्करा। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। राम कली की वार, राय बलवंड तथा सत्य डोमा की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, नाओ करता का दर करे, क्यों बोल होए जो की वधे, दे गुना सत पैण पराव है, पा रंगत दान पड़ी वधे, नानक रा चलाया सच कोट सतानी नीव दे, लैने तरियन छत सिर कर सिफती अमृत पीव दे, मत गुर आत्म देव दी खड़क जोर पुरकाए जिय दे, गुर चेले रह रास की नानक सलामत थीव दे, सह टिक्का दे तोस जीव दे, लैने दी फहराइये नानका दोही खटिए, जोत ऊहा जुगत साए सह काया फेर पलटिए, चुले सत चुले सो छत नरंजनी, मल तखत बैठा गुर हटिए, करे जे गुर फरमाया सिल जोग अलूनी चटिए, लंगर चले गुर शब्द हर तोट ना भी खटिए, खर्चे दित खसम दी अब खेंदी खैर दबटिए, होवै सिफत खसम दी नूर अरसों कुरसों छटिए, तुडिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिए, सच जे गुर फरमाया क्यों इंदू बोलो हटिए, पुत्री कौल ना पा लियो कर पीरू कन मुरटिए, फिल दिल खोटे आखी फिरन बन पार उचाए न छटिए, जिन आखी सोई करे जिन कीती तिने थटिए, कौन हारे किन उबटिए, जिन कीती सो मनना को साल जिवाहे साली, धर्म राय है देवता ले गल्ला करे दलाली, सतगुर आखे सच्चा करे सब बात होवे दरहाली, गुर अंगद दी दोही फिरी सच करते बंद बहाली, नानक काया पलट कर मल तख्त बैठा सह डाली, दर सेवे उम्मत खड़ी मस्कले होए जंगाली, दर दरवेस खसम दे ना सच्चे बाणी लाली, दर बलवंड खीवी नेक जन जिस बहुती छाओ पतराली, नंगर दौलत वंडिये रस अमृत खीर ख्याली, गुरसिखां के मुख उजले मनमुख थिए पराली, पे कबूल खसम नाल जा काल मुर्दी काली, माता खीवी सोह सोए जिन गोए उठाली, होरे और गंग वहाइये दुनियाई आखे के क्यों, नानक ईसर जगन्नाथ कुछ हंदी वैण विर क्यों, मा दाना परबत कर नेत्र बाजक शब्द रिड़क्यौन, चौदे रतन निकालियन कर आवा गौन चलक्यौन, कुदरत एवे खालियन जिन एवड़ पिंड ठनक्यौन, लैने तरियन छतर सिर असमान कियाड़ा छिक्यौन, जोत समाणी जोत माए आप आपे सेती मिक्यौन, सिखा पुत्रा कोख के सब उम्मत वेखो जे क्यौन, जा सुदोस्त लैना टिक्यौन, फेर वसाया फेर वाण सत गुरखा डोर, जपता संजम नाल तुद होर मुच गुरूर, लब बनाहे मानसा ज्यो पानी बूर, वरिये दरगे गुरु की कुदरती नूर, जित सुहात न लबई तू और ठरूर, नौनित नाम निदान है तुद विच भरपूर, निंदा तेरी जो करे सो बंजे चूर, नेड़े दिसे मात लोक तुद सुजे दूर, फेर वसाया फेर वाण सत गुरखा ठूर, सो टिक्का सो बहना सोई दीबान, प्यो दादे जेविया पोता परवान, जिन बासक नेत्र कत्या करने ही तान, जिन समुंद विरोलिया कर मेर मदान,
चौदे रतन निकालियन की तू चानण, कोड़ा कितो सहजदा जद कियो पलाण, तनक चढ़ायो सत दा जस हंदा बाण, कल विच तू अंदार सचड़िया रे पाण, सत्तो खेत जमाइयो सत्तो छावाण, नितर सोई तेरिए क्यों मैंदा खाण, चारे कुंडा सूजियस मन में शब्द परवाण, आवा गौण निवार्यो कर नदर निशान, अतरिया अवतार लै सो पुरख सुजान, चखड़ वाओ न डोलई पर्वत मैरान, जाने बिरथा जी की जानी हो जान, क्या लाही क्या सा लाही सच्चे पातशाह जा तू सुगड़ सुजान, दान जे सतगुर पावसी सो सत्ते दान, नानक हंदा छत्र सिर उम्मत हैरान, सो टिक्का सो बहना सोई दीपान, प्यो दादे जेव्या पोतरा परवान, तन तन रामदास गुर जिन सिरिया तिने सवारिया, पूरी होई करामात आप सिरजन हारे तारिया, सिखी अते संगती पार ब्रह्म कर नमस्कारिया, अटल अथा अतोल तू तेरा अंत ना पारा वारिया, जिनी तू सेव्या पाओ कर से तुद पार उतारिया, लब लोभ काम क्रोध मोह मार कड्डे तुद सब परवारिया, तन सो तेरा थान है सच तेरा पैस कारिया, नानक तू लहना तू है गुर अमर तू विचारिया, गुर डिठा ता मन सादारिया, चारे जागे चौजुगी पंचायन आपे होआ, आपी ने आप साजन आपे ही थम खलोआ, आपे पट्टी कलम आप लिखन हारा होआ, सब उम्मत आवन जावनी आपे ही नवा निरोआ, तखत बैठा अर्जन गुरु सतगुर का खिवे चंदोआ, उगणो ते आथवणो च चक्की कियन लोआ, जिनी गुरु ना सेव्यो मन मुखा पिया मोआ, दूनी चौनी करामा सच्चे का सच्चा टोआ, चारे जागे चौजुगी पंचायन आपे होआ, जिनी गुरु ना सेव्यो मन मुखा पिया मोआ, दूनी चौनी करामात सच्चे का सच्चा टोआ, चारे जागे चौजुगी पंचायन आपे होआ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु। श्लोक महला नौवां, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। श्लोक महला नौवां, गुण गोबिंद गायो नहीं जन्म अकारथ कीन, कहो नानक हर पज मना जह बिद जल को मीन, बिखियन सियो काहे रचियो निमक न होए उदास, कहो नानक पज हर मना परे न जमकी फास, तरना को यो ही गयो लियो जरा तन जीत, कहो नानक पज हर मना औध जात है बीत, बिरद भयो सूचे नहीं बिरद पयो सूझे नहीं, काल पहुँचियो आन, कहो नानक नर बावरे क्यों न पजे भगवान, तन दारा संपत सगल जिन अपनी कर मान, इनमें कछ संगी नहीं नानक साची जान, पतित उदाहरण पै हरन हर अनाथ के नाथ, कहो नानक तिह जानिए सदा बसत तुम साथ, तन धन जिह तो को दियो तासियो ने हुन कीन, कहो नानक नर बावरे अब क्यों डोलत दीन, तन धन संपै सुख दियो अर जिहनी के ताम, कहो नानक सुन रे मना सिमरत काहे न राम, सब सुख दाता राम है दूसर नाहिन कोए, कहो नानक सुन रे मना तेह सिमरत गत होए, जेह सिमरत गत पाईए तेह पजरे तै मीत, कहो नानक सुन रे मना औध खटत है नीत, पांच तत्व को तन रचियो जानो चतुर सुजान, जेहते उपजियो नानका लीन थाए मेहमान, कट कट मैं हर जू बसै संतन कहो पुकार,
कहो नानक कह भज मना पाओ निध उतरे पार। सुख दिख सुख दुख जिह पर सै नहीं लोभ मोह अभिमान। कहो नानक सुन रे मना सो मूरत भगवान। पुस्तक निंदिया नाहे जह कंचन लोह समान। कहो नानक सुन रे मना मुक्त ताहे तै जान। हरख सोग जाके नहीं बैरी मीत समान। कहो नानक सुन रे मना मुक्त ताहे तै जान। पै काहू को देत नह नह पै मानत आन। कहो नानक सुन रे मना ज्ञानी ताहे बखान। जिह बिखिया सगली तजी लियो पेख बैराग। कहो नानक सुन रे मना तिह नर माथे पाग। जिह माया ममता तजी सब ते पयो उदास। कहो नानक सुन रे मना तिह घट ब्रह्म निवास। जिह प्राणी हो मैं तजी करता राम पछान। कहो नानक वो मुक्त नर इह मन साची मान। पैनासन दुर्मत हरन कल मैं हर को नाम। निस दिन जो नानक पजै सफल हुए तिह काम। जिह बागुन गोबिंद पजो करन सुनो हर नाम। कहो नानक सुन रे मना परे न जम कै ताम। जो प्राणी ममता तजै लोभ मोह अहंकार। कहो नानक आपन तरै और न लेत उदार। जो सुपना अरपेखना ऐसे जग को जान। इन में कछ साचो नहीं नानक बिन भगवान। निस दिन माया कारने प्राणी डोलत नीत। कोटन में नानक कहु नारायण जय चीत। जैसे जलते बुध बुदा उपजे बिन सैनीत। जग रचना तैसे रची कहो नानक सुन मीत। प्राणी कछु न चेतई मद माया के अंद। कहो नानक बिन हर भजन परत ताहे जम पंद। जो सुख को चाहे सदा शरण राम की लेह। कहो नानक सुन रे मना दुर्लभ मानुख देह। माया कारण तावही मूर्ख लोग अजान। कहो नानक बिन हर भजन बिरथा जन्म सिरान। जो प्राणी निस दिन भजै रूप राम तिह जान। हर जन हर अंतर नहीं नानक साची मान। मन माया में पद रम्यो बिसरयो गोबिंद नाम। कहो नानक बिन हर भजन मन माया में फद रहियो बिसरयो गोबिंद नाम। कहो नानक बिन हर भजन जीवन कोने काम। प्राणी राम न चेतई मद माया के अंध। कहो नानक हर भजन बिन परत ताहे जम पंध। सुख में बहु संगी पए दुख में संग न कोए। कहो नानक हर भज मना अंत सहाई होए। जन्म जन्म परमत फिरियो मिट्यो न जम को त्रास। कहो नानक हर भज मना निर्भय पावे बास। जतन बहुत मैं कर रहियो मिट्यो न मन को मान। दुर्मत सियो नानक फदियो राख ले हो भगवान। बाल जवानी अर बिरद हुन तीन अवस्था जान। कहो नानक हर भजन बिन बिरथा सब ही मान। करणो हुतो सुना कियो परो लोभ के फंद। नानक समयो रम गयो अब क्यों रोवत अंद।
मन माया मैं रम रहयो निक सतनाहि न मीत। नानक मूरत चित्र ज्यो छाड़त नाहि न पीत। नर चाहत कछ और की और पई चितवत रहयो ठगोर। नानक साची गल परी जतन बहुत सुख के किए दुख को कियो न कोए। कहो नानक सुन रे मना हर पावे सोए। जगत भिखारी फिरत है सबको दाता राम। कहो नानक मन सिमर तेह पूरन होवे काम। झूठ है मान कहा करे जग सुपने ज्यो जान। इनमें कछ तेरो नहीं नानक कहियो बखान। गर्भ करत है देह को बिनसे छिन में मीत। जह प्राणी हर जस कहियो नानक तेह जग जीत। जह कट सिमरन राम को सो नर मुक्ता जान। तेह नर हर अंतर नहीं नानक साची मान। एक भगत भगवान जह प्राणी कहना है मन। जैसे सूकर स्वान नानक मानो ताहे तन। स्वामी को गृह जियो सदा स्वानत जत नहीं नित। नानक एह बिदहर पजो एक मन होए एक चित। तीर्थ बरत कर दान कर मन में तरे गुमान। नानक निःफल जात तेह ज्यो कुंचर स्नान। सिर कंप्यो पग डग मगे नैन जोत ते ही न। कहो नानक एह बिद पई तउ नहर रसलीन। निज कर देखियो जगत में को काहू को ना है। नानक थिर हर भगत है तेहरा को मन माहे। जग रचना सब झूठ है जान ले हो रे मीत। कह नानक थिर ना रहे जो बालू की पीत। राम गयो रावण गयो जाको बहु परवार। कहो नानक थिर कछ नहीं सुपने जो संसार। चिंता ताकी कीजिए जो अनहोनी होए। एहो मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोए। जो उपजियो सो बिनस है परो आज के काल। नानक हर गुण गाए ले छाड़ सगल जंजाल। दोहरा बल छुटक्यो बंधन परे कछु न होत उपाय। कहो नानक अब ओट हर गज हो सहाय। बल हो आ बंधन छुटे सब किच होत उपाय। नानक सब किच तुम रह हाथ में तुम ही होत सहाय। संग सखा सब तज गए को न निभयो साथ। कहो नानक एह बिपत में टेक एक रघुनाथ। नाम रहयो साधु रहयो रहयो गुरु गोबिंद। कहो नानक एह जगत में किन जपियो गुरु मंत। राम नाम उर में गयो जाके सम नहीं कोए। जेह सिमरत संकट मिटे दरस तुहारो होए। राम नाम उर में गयो जाके सम नहीं कोए। जेह सिमरत संकट मिटे दरस तुहारो होए। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। शब्द हजारी माज महला पंजवा चौपदी कर पहला। मेरा मन लोचे गुर दर्शन ताई बिलप करे। चात्रिक की न्याई त्रिखा न उतरे सांत न आवे।
बिन दर्शन संत प्यारी जियो हाओ कोली जियो कोल कुमाई गुर दर्शन संत प्यारे जियो रहाओ तेरा मुख सुहावा जियो सहज तुन बाणी चिर होआ देखे सारंग पानी तन सुदेश जहां तू वस्या मेरे सजन मीत मुरारे जियो हाओ कोली हाओ कोल कुमाई गुर सजन मीत मुरारे जियो रहाओ एक कड़ी न मिलते ता कल जुग होता हुन कद मिलिए प्रिय उद भगवंता मोह रैन न विहावे नींद न आवे बिन देखे गुरु दरबारी जियो हो कोली जियो कोल कुमाई तिस सच्चे गुरु दरबारी जियो रहाओ पाग हुआ गुरु संत मिलाया प्रभु अविनाशी कर मैं पाया सेव करी पल चसा ना विछड़ा जन नानक दास तुम्हारे जियो हाओ कोली जियो कोल कुमाई जन नानक दास तुम्हारे जियो रहाओ तनासरी महला पहला कर पहला चौपदे एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अर्जुनी सैपं गुर प्रसाद जियो डरत है अपना कैसे करी पुकार दुख विसारन सेवया सदा सदा दातार साहिब मेरा नीत नवा सदा सदा दातार रहाओ अंदिन साहिब सेविय अंत छड़ाए सोए सुन सुन मेरी कामनी पार उतारा होए दयाल तेरे नाम तरा सद कुर्बानी जाओ रहाओ सर्वंग साचा एक है दूजा नाही कोए ताकि सेवा सो करे जाको नदर करे तुद बाज प्यारे के रहा सावड़ियाई दे जित नाम तेरे लाग रहा दूजा नाही कोए जिस आगे प्यारे जाए कहा रहाओ सेवी साहिब अपना अब न जाचो कोए नानक ताका दास है बिंद बिंद चुक चुक होए साहिब तेरे नाम मिटो बिंद बिंद चुक चुक होए रहाओ तिलंग महला पहला घर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद एहो तन माया पाया प्यारे लीतड़ा लब रंगाए मेरा कंत ना पावे चोलड़ा प्यारे क्यों दन से जय जाए हौ कुर्बाने जाओ मेहवाना हौ कुर्बाने जाओ हौ कुर्बाने जाओ तिना के लैन जो तेरा नाओ लैन जो तेरा नाओ तिना के हौ सद कुर्बाने जाओ रहाओ कायांगन जे थिए प्यारे पाये नाओ मजीट रंगन वाला जे रंग साहिब ऐसा रंग नाडीठ जिनके चोले रतरे प्यारे कंत तिना के पास तूड़ तिना की जे मिले जी कहो नानक की अरदास आपे साजे आपे रंगे आपे नदर करे
नानक कामन कंते भावे आपे ही रावे तिलंग महला पहला। यानड़िए मनड़ा काय करे हा आपनड़े कर रंगो की न माने हो सोनेड़ा तन कमलिए बाहर क्या टूटे है पै किया देश लाया नैनी पाव का कर सिगारो ता सुहागण जानिए लगी जासा हो तेरे प्यारो यानी बाली क्या करे जा तन कंत न पावे कन पला करे बह तेरे साधन महल ना पावे विन कर्मा किछ पाये नाही जे बह तेरा धावे लब लोभ अहंकार की माती माया माहे समानी इनी बाती सह पाये नाही पई कामणियानी जाए पुछो सुहागनी वाहे किन्नी बाती सह पाये जो किछ करे सो भला कर मानिए हिकमत हुकम चुकाये जाके प्रेम पदार्थ पाये तौ चरनी चित लाये सो कहे सो कीजै तन मनो दीजै ऐसा परमल्लाये ये कहे सुहागनी पैणे इनी बाती सह पाये आप गवाये ता सह पाये और कैसी चतुराई सह नदर कर देखे नदर कर देखे सो दिन लेखे कामन नौ निद पाई आपने कंत प्यारी सा सुहागन नानक सा सबराई ऐसे रंग राती सहज की माती अहनिस पाए समानी सुंदर साए सरू विचक्षण कैसा सियाणी सुही महला पहला कौन तरा जी कवन तुला तेरा कवन सरा बुलावा कौन गुरु कै पै दी क्या लेवा कै पै मुल करावा मेरे लाल जियो तेरा अंत न जाना तू जल थल मैयल पर पुलीना तू आपे सर्व समाना रहो मन तारा जी चितुला तेरी सेव शराब कमावा कट ही पीतर सो सह तोली इन विद चित रहावा आपे कंडा तोल तराजी आपे तोलन हारा आपे देखे आपे बुझे आपे है अणजरा अंधला नीच जात परदेसी खिन आवे तिल जावे ताकि संगत नानक रहदा क्यों कर मूड़ा पावे एक ओंकार सतनाम करता पुरत निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैपं गुर प्रसाद राग मिलावल महला पहला चौपदे कर पहला तू सुल्तान कहा हो मिया तेरी कमन बढ़ाई जो तू देहे सो कहा स्वामी मैं मूरख कहन न जाई तेरे गुण गावा देहे बुझाई जैसे सच में रहो रजाई रहाओ जो किछ हुआ सब किछ तुझते तेरी सब असनाई तेरा अंत न जाना मेरे साहिब मैं अंधले क्या चतराई क्या हो कथी कथे कथ देखा मैं अकथ ना कथ ना जाई जो तुद पावे सोई आखा तिल तेरी वडे आई
जो तुद पावे सोई आखा तिल तेरी वड्याई एते कूकर हो बेगाना पौ का इस तन ताई भगत हीन नानक जे होएगा ता खसम नौ न जाई बिलावल महला पहला मन मंदर तन वेश कलंदर कट ही तीरत नावा एक सबत मेरे प्राण बसत है बाहर जन्म न आवा मन बेदया दयाल से ती मेरी माई कौन जाने पीर पराई हम नाही चिंत पराई रहाओ अगम अगोचर अलख अपारा चिंता कर हो हमारी जल थल मैयल पर पुलीना कट कट जो तुम्हारी सिख मत सब बुद्ध तुम्हारी मंदिर छावा तेरे तुझ बिन अब न जाना मेरे साहिबा गुण गावा नित तेरे जिय जंत सब सरन तुम्हारी सर्व चिंत तुद पास जो तुद पावे सोई चंगा एक नानक की अरदास जिय जंत सब सरन तुम्हारी सर्व चिंत तुद पास जो तुद पावे सोई चंगा एक नानक की अरदास वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह शस्त्र नामाला इक्यों का वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाये अत श्री शस्त्र नामाला पुराण लिखते पातशाही दसवीं दोहरा सांग सरोही सैफ अस तीरथ पक तरवार संतरा तक कव चात कर करिए रच हमार अस किरपान तारा तरी सैफ सूल जमदार कब जातक संतरात कर तेग तीर तरबार अस किरपान खंडो खड़ग तुपक तबर अर तीर सैफ सरोई सैथी ये हमारे पीर तीर तुही सैथी तुही तुही तबर तरवार नाम तिहारो जो जपे पे सिंध पव पार काल तुही काली तुही तुही तेग अर तीर तुही निशानी जीत की आज तुही जगबीर तुही सूल सैथी तुही सूल सैथी तबर तू निखंग अरबान तुही कटारी सेल जब तुम्ही करद किरपान शस्त्र अस्त्र तुम्ही सिपर तुम्ही कवच निखंग कवचातक तुम ही बने तुम व्यापक सर्वंग श्री तुही सब कारण तुही तू विद्या को सार तुम सबको उपराजी तुम्ही लियो उभार तुम्ही दिन रजनी तुही तुम्ही जियन उपाय कोतक हेरन के नमित तिन मोबाद बढ़ाए अस किरपान खंडो खड़ग सैफ तेग तरवार रच करो हमरी सदा कवचा तक करवार तुही कटारी दाड़ जम तू बिछो अरपान तो पद पद जे लीजिए रचदास मोहे जान बाक बजर बिछो तुही तुही तबर तरवार तुही कटारी सहती करिए रच हमार तुम्ही गुरज तुम्ही गदा तुम्ही तीर तुफंग दास जान मोरी सदा रच करो सरबंग छुरी कलम रिप करद पन खंजर भुगदा नाए अर्ध रिजक सब जगत को मोहे तुम ले बचाए
प्रथम उपावो जगत तुम्ही पंथ बनाए आप तुही झगड़ा करो तुम्ही करो सहाय मच्छ कच्छ बारा तुम बावन अवतार नार सिंह बहुदा तुही जगत को सार तुही राम श्री कृष्ण तुही विष्णु को रूप तुही प्रजा सब जगत की तुही आप ही पूप तुही विपर छतरी तुही रंकर राव साम दाम अर दंड तुम्ही भेद उपाओ शीश तुही काया तुही तै प्राणी के प्राण तै विद्या जुग बकतर होए करे भेद बख्यान बिसख बान तन खागर पन सर कै बर जे नाम तीर्थ तंग ततार चो सदा करो मम काम तुनराले छत्र अर मृग अंतक सस बान तुम बैरन पृथ्वी हनो बोरो बजे किरपान तुम पाटस पासी परस परम सिद्ध की खान ते जग के राजा पे दीते जे बरदान शीस सत अर अर्यारस खंडो खड़ग किरपान छत सुरेसर तुम कियो भगत अपनो जान जमदर जमदारा जबर जोदा तक जे नाए लूट कूट ली जर तिने जे बिन बादे जाए बाक बजर बिछो बिसक बिरे बान सब रूप जिनको तुम कृपा करी पय जगत के पूप सस्ते सर सम्राट कर सिप्रार समशेर मुक्त जाल जम के पय जिने गयो एक बेर सैफ सरोई सत्र अर सारांगर जे नाम सदा हमारे चित बसो सदा करो मम काम सैफ सरोई सत्र अर सारांगर जे नाम सदा हमारे चित बसो सदा करो मम काम इत श्री नाम माला पुराने श्री भगवती उस्तत प्रथम त्याय समापतम सत शुभम सत वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जीओ वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जीओ एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह है। पातशाही दसवीं कबियो बाच बेंती चौपई हमरी करो हाथ द रक्षा पूरन होए चित की इच्छा सब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतिपारा हमरे दुष्ट सब तुम कावहो आप हाथ दे मोहे बचावहो सुखी पसे मोरो परिवारा सेवक सिख सब कर पारा मोर रक्षा निज कर दे करिये सब बैरन को आज संगरिये पूरन होए हमारी आशा तोर पजन की रह प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याऊ जो भर चाहूं तो तुमसे पाऊं सेवक सिख हमारे तारिये है चुन चुन सतर हमारे मारिये है आप हाथ दे मुझे उबरिये मरने काल का त्रास निवरिये पूजो सदा हमारे पच्छा श्री अस तुझ जो करियो रक्षा राख लेहो मोहे राखन हारे साहेब संत सहाय प्यारे दीन बंध दुष्टन के हंता तुम हो पूरी चतर दसकंता काल पाए ब्रह्मा बप तरा काल पाए शिव जू अवतरा काल पाए कर विष्ण प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जब न काल जोगी शिव कियो वेद राज ब्रह्मा जो थियो जब निकाल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा जब निकाल सब जगत बनायो देव दैत जछन उपजायो आद अंत एक है अवतारा सोई गुरु समझे हमारा नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिन आप सवारी शिवकन को सब गुण सुख दियो
सत्रन को पल मोह बद कियो कट कट के अंतर की जानत पले बुरे की पीर पछानत कीटी ते कुंचर अस्थूला सप कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाने कट कट के पट पट की जाने जब उदकर्ष करा कर तारा जब उदकर्ष करा कर तारा प्रजा तर्त तब देह अपारा जब आकर्ष करत हों कब हूँ तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ जेते बदन सृष्ट सब तारे आप आपनी बूझ उचारे तुम सब ही ते रहत निरालम जानत वेद भेद और आलम निरंकार निर्विकार निर्लंभ आद अनिल अनाद असंभ ताका मूड उचारत पेदा जाको पेव न पावत बेदा ताको कर पाहन अनुमानत महामूढ़ कछ पेद न जानत महादेव को कहत सदा शिव निरंकार का कीनत नह पेव आप आपनी बुद्ध है जेती बरनत पिन पिन तोह तेती तुमरा लखान जाए पसारा कह विद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंग पयो राव कही पूपा अंडज जेरज से तज कीनी उत्पुज खान बहुर रच दीनी कहूं फूल राजा वह बैठा कहूं सिमट प्यो शंकरी कैठा सिगरी सृष्ट दिखाए अचंभव आद जुगाद स्वरूप से अंभव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संघरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेच्छ करो रणगाता जे असि तुझ तव शरणी परे तिन के दुष्ट दुखित हुए मरे पुरख जबन पग परे तिहारे तिन के तुम संकट सब तारे जो कल को एक बार ते आए है ताके काल निकट न है रक्षा होए ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट तरह तत्काला कृपा दृष्ट तन जाए निहर हो ताके ताप तनक में हर हो रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट छाछ वे सके न कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फास्ते ताहे उबारा जिन नर नाम तिहारो कहा दारिद्र दुष्ट दोखते रहा खड़ग के तुम्हें शरण तिहारी आप हाथ दे ले हो उबारी सर्व ठौर मो हो सहाई दुष्ट दोखते ले हो बचाई खड़ग के तुम्हें शरण तिहारी आप हाथ दे ले हो उबारी सर्व ठौर मो हो सहाई दुष्ट दोखते ले हो बचाई कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूरन शुभ राता किल बिख सकल देह को हरता दुष्ट दोखियन को छह करता श्री असतुज जब पे दयाला पूरन करा ग्रंथ तत्काला मन बांछत फल पावे सोई दुख न तिसे व्यापत कोई अड़िल सुने गुंग जो यहे सुरसना पावई सुने मूड चित लाए चतुरता आवई दुख दर्द पौ निकट ना तिन नर के रह हो जो याकी एक बार चौपई को कह चौपई संबत सत्रह सहस पणिज अर्ध सहस पुन तीन कहिज पादरव सुधी अष्टमी रविवारा तीरस तद्रव ग्रंथ सुधारा स्वैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं अन्यो राम रहीम पुराण पुराण अनेक कह मत एक न मान्यो सिमृत शास्त्र वेद सब है बहु भेद कह हम एक न जान्यो श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं न कहे सब तुहे बखान्यो दोहरा सगल द्वार को छाड़ के गहो तुहारो द्वार बाहे गहे की लाज अस गोविंद दास तुहार दोहरा सगल द्वार को छाड़ के गहो तुहारो द्वार बाहे गहे की लाज अस गोविंद दास तुहार वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह जी वाहिगुरु जी सुधर रहा साहिब जी हर जुग जुग भक्ति उपाया पैज रखदा आया राम राजे हर नाकश तुष्ट हर मारिया प्रहलाद तराया अंकारिया निंदका पिट दे नाम देव मुख लाया
जन नानक ऐसा हर सेविया अंतले छड़ाया एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्लोक महला पहला दुख दारू सुख रोग पिया जा सुख ताम ना होई तू करता करना मैं नाई जा हो करी ना होई बलिहारी कुदरत वस्या तेरा अंत ना जाए लख्या राव जात में जोत जोत में जाता कलकला भरपूरिया तू सच्चा साहिब सिप सवाल्यो जिनकी ती सो पार पिया कौ नानक करते किया बाता जो किच करना सो कर रहा सो दर राग आसा महला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद सो दर तेरा केहा सो गर केहा जित बै सर्ब संभाले वाजे तेरे नाद ने कसंखा केते तेरे मावन हारे केते तेरे राग परिसु कहिए केते तेरे गावन हारे गावन तुदनु पौन पानी बैसंतर गावे राजा तरम दुआरे गावन तुदनु चित गुपत लिख जानन लिख लिख तरम विचारे गावन तुदनु ईश्वर ब्रह्मा देवी सोन तेरे सदा सवारे गावन तुदनु इंद्रासन बैठे देव त्यातर नाले गावन तुदनु सिद्ध समाधि अंदर गावन तुदनु साध विचारे गावन तुदनु जति सती संतो की गावन तुदनु वीर करारे गावन तुदनु पंडित पढ़न रखी सर जुग जुग वेदा नाले गावन तुदनु मोहनी अमन मोहन सुर्ग मच प्याले गावन तुदनु रतन उपाए तेरे अड़सठ तीरथ नाले गावन तुदनु चोर महाबल सूर गावन तुदनु खानी चारे गावन तुदनु खंड मंडल ब्रह्मंडा कर कर रखे तेरे तारे सही तुदनु गावन जो तुद पावन रत्ते तेरे भगत रसाले होर केते तुदनु गावन से मैं चितनावन नानक किया उचारे सोई सोई सदा सच साहेब साचा साची नाई है भी ओ सी जाए न जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी पाती कर कर जिन सी माया जिन उपाई कर कर देखे किता अपना ज्योतिष दी वड्याई ज्योतिष पावे सोई कर सी फिर हुक्म न करना चाहिए सो पात सा सहा पात चाहे नानक रहन रचाई आसा मोहला पहला सुन वड्डा आके सब कोई केवड़ वड्डा ठीठा हो मत पाए ना के आ जाए कहने वाले तेरे रहे समाए वड्डे मेरे साहिबा गैर गंभीरा गुनी गहेरा कोई ना जाने तेरा केता केवट चीरा रहा सब सुरसी मिल सुरत कमाई सब कीमत मिल कीमत प्याई सब कीमत मिल कीमत पाई ज्ञानी त्यानी गुरगुरहाई ज्ञानी त्यानी गुरगुरहाई कह ना जाई तेरी तिल वड्याई सब सत सब तप सब चंगियाईया सिद्धा पुरखा की अवड्याईया तुद बिन सिद्धि किने ना पाईया करम मिले नाई ठाक रहाईया आखन वाला क्या विचारा सिद्धि परे तेरे पंडारा जिस तू दे किसे क्या चारा नानक सच सवारन हारा आसा मला पहला आखा जीवा विसरे मर जाओ आखन ओखा साचा नाओ साचे नाम की लागे भूख उत्पुखे खाए चले दुख सो क्यों विसरे मेरी माए साचा साहिब साचे नाई रहो साचे नाम की तिल वड्याई आख तके कीमत नहीं पाई जैसा मिलके आखन पाए वड़ा ना होवे काट ना जाए ना होए मरे ना होवे सो देदा रहे न चुके बो गुने हो होर नाई कोई ना को हो आ ना को है जेवड़ आ तेवड़ तेरी दा जिन दिन करके कीती रात खसम विसारे ते कम जात नानक नावे बात सुना रा गुजरी मल्ला चौथा हर के जन सतगुर सतपुरखा बिनो करो गुर पास हम कीरे किरम सतगुर सनाई कर दया नाम प्रगास मेरे मीत गुरदेव मोको राम नाम प्रगास गुरमत नाम मेरा प्राण सकाई हर कीरत हमरी रह रास राव हर जन के वड भाग वडेरे जिन हर हर सरदा हर प्यास हर हर नाम मिले तृप्ता से मिल संगत गुण प्रगास जिन हर 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 रस नाम न पाया ते पागहीन जम पास जो सतगुरु शरण संगत नहीं आए त्रिग जीवे त्रिग जीवास जिन हर जन सतगुरु संगत पाई तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास तन तन सत्संगत जित हर रस पाया मिल जन नानक नाम प्रगास रा गुजरी मल्ला पंजवा काहे रे मन चितवे उद्दम जा आहर हर जीव परया सैल पतर मैं जन तू पाए ताका रिजक आगे कर तरया मेरे माधो जी सत्संगत मिले सो तरया गुर प्रसाद परम पद पाया सुखे काष्ट हरिया रहो
जनन पिता लोक सुत बनिता कोय न किसकी तरिया सिर सिर रिजक संभा हे ठाकुर का हे मन बो करिया उडे उड़ावे से को सातिस पाछे बचरे चरिया दिन कवन खलावे कवन चुगावे मन में सिमरन करिया सब निदान दस अष्ट सिदान ठाकुर कर तल तरिया जन नानक बल बल सद बल जाइए तेरा अंत ना पारा वरिया रागा समला चौथा सो पुरख एक ओंकार सतगुरु प्रसाद सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमागम पारा सब त्यावे तुझी हर सच्चे सिरजन हारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर त्यावो संतो जी सब दुख विसारन हारा हरे आपे ठाकुर हरे आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू कटकटे अंतर सर्व निरंतर जी हरे को पुरख समाना इक दाते बेखारी जी सब तेरे चोज विदाना तू आपे दाता पे भुगता जी हो तुझ बिना वरना जाना तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुण आंख खाना जो सेवे तुझी जन नानक तिन कुर्बाना हर त्यावे तुझी से जन जुग में सुखवासी से मुकत पे जिन हर त्याया जी किन टूटी जम की फांसी जिन निर्भो जिन हर निर्भो त्याया जी किन का पो सब गवासी जिन सेव्या मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से तन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी परे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहन तुझी हर अनिक अनेक अनंता तेरी अनिक करे हर पूजा जी तप तापे जपे बेअंता तेरे अनेक पढ़े बो सिमरत शास्त्र जी कर किरिया खटकर्म करंता से भगत पले जन नानक जी जो पावे मेरे हर भगवंता तू आद पुरख अपरंपर करता जी तुझे वडवर ना कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू ने चल करता सोई तुदे आपे पावे सोई वरते जी तू आपे करे सो होई तुदे आपे सिर सब उपाय जी तुदे आपे सिर सब होई जन नानक गुण गावे करते के जी जो सबसे का जान होई आसा मला चौथा तू करता सच्यार मेंढा साई जो तू पावे सोई तिसी जो तू दे सोई हो पाई रहो सब तेरी तू सबनी त्याया जिसनू कृपा करे तिन नाम रतन पाया गुरमुखला दा मन मुख गवाया तुद आप विछोड़िया मिलाया तू दरियाओ सब तुझ ही माए तुद बिंदु जा कोई नाए जी जन सब तेरा खेल विजो मिल बिछड़िया संजोगी मेल जिसनू तू जाना है सोई जन जाने हर गुण सद ही आख बखाने जिन हर सेविया तिन सुख पाया सहजे ही हर नाम समाया तू आपे करता तेरा किया सब होए तुद बिंदु जा कोई ना तुद बिंदु जा वरना कोई तू आपे करता तेरा किया सब होए तुद बिंदु जा वरना कोई तू कर कर वेखे जाने सोए जन नानक गुरमुख प्रगट होए आसा महला पहला तित सरवड़े पहले निवासा पानी पावक तिन्हे किया पंकज मोह पग नहीं चाले हम देखा ते डूबे ले मन एक न चेतस मूड मना हर बिसरत तेरे गुण गलिया राव ना हो जति सती नहीं पड़िया मूरख मुगदा जन्म पया प्रणवत नानक तिनकी सरना जिन तू नाही विसरिया आसा मला पंजवा पई परापत मानुक देवरिया गोविंद मिलन की ए तेरी बरिया अवर काज तेरे किते ना काम मिल साध संगत बज केवल नाम सरम जाम लाख पवजल तरन के जन्म बिरथा जात रंग माया कह रहा जप तप संजम तरम ना कमाया सेवा साधना जान्या हर राया कोह नानक हम नीच करमा सरन परे की राखो शर्मा जप तप संजम तरम ना कमाया सेवा साधना जान्या हर राया कोह नानक हम नीच करमा सरन परे की राखो शर्मा एक
ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं चौपाई पुन राक्षस का काटा सीसा, श्री अस के जगत के ईसा, पूपन ब्रिष्ट गगन ते पेई, सभिन आन बधाए दे। दनन दनन लोगन के राजा, दुष्टन दाह गरीब निवाजा, कल पवन के सिरजन हारे, दास जान मोय ले उबारे। पातशाही दसवीं कबियो बाज, बेनती चौपाई हमरी करो, हाथ दर अच्छा, पूरन होए चित की इच्छा, तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतिपारा, हमरे दुष्ट सबे तुम खाओ, आप हाथ दे मोहे बचाओ, सुखी बसे मोरो परिवारा, सेवक सिख सबे कर तारा, मोर अच्छा निज कर दे करिए, सब बैरन को आज संगरिए, पूरन होए हमारी आसा, तोर भजन की रहे प्यासा, तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याओ, जो बर चाओ सो तुम ते पाओ, सेवक सिख हमारे तारिये, चुन चुन सत्र हमारे मारिए, आप हाथ दे मुझे उबरिए, मरण काल का त्रास निवरिए, हुजो सदा हमारे पच्चा, श्री अस्तुजो करे और अच्छा, राख ले ओ मोय रखन हारे, साहेब संत सहाय प्यारे, दीन बंद दुष्टन के अंता, तुम हो पुरी चतुर दसकंता, काल पाए ब्रह्मा बपतरा, काल पाए शिव जू अवतरा, काल पाए कर बिसन प्रकाशा, सगल काल का किया तमाशा, जवन काल जोगी शिव कियो, देद राज ब्रह्मा ज्योति हो, जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताई हमारा, जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जच्छन उपजायो, आदंते के अवतार, सोई गुरु समझो हमारा, नमस्कार किसी को हमारी, सकल प्रजा जिने आप सवारी, सिवकन को सब गुण सुख दियो, सतरन को पलमो बद कियो, कट कट के अंतर की जानत, पले पुरे की पीर पछानत, चीटी ते कुंचर अस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला, संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पछाने, गट गट के पट पट की जाने, जब उद करक करा कर तारा, प्रजा तरत तब दे अपारा, जब आ करक करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत दे दर सब हूँ, जेते बदन शीर्ष सब तारे, आप अपनी बूझ उचारे, तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत भेद पेदर आलम, निरंकार निर्विकार निर्लम, आद नील नाद सम, ताका मूड उचारत पेदा, जाको पेव न पावत पेदा, ताको कृपा हनन मानत, महामूड कछ भेद न जानत, महादेव को कैद सदा शिव, निरंकार का चीनत न पीवा, अपनी बुद्ध है जेती, बरनत पिन पिन तह तेती, तुमरा लखा न जाए पसारा, कैबिद सजा प्रथम संसारा, एके रूप अनूप स्वरूपा, रंक बेओ राव कही भूपांड, जेर से तजकीनी, उत्बुज खान बहुर दीनी, को फूल राजा बैठा, कहो सिमट पे शंकर कैठा, सगरी सृष्ट दिखाए अचंभ, आज जुगाद स्वरूप स्वयंभव, अब्रचा मेरी तुम करो, सिख उबार सिख संगर, दुष्ट दिते उठवत उत्पाता, सगल मलेच करो रनगाता, जे अस्तु तव सरनी परे, तिनके दुष्ट दुगद मरे, पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे, जो कल को एक बार ते आए है, ताके काल निकट न है, रच्छा होए ताई सब काला, दुष्ट अरिष्ट रे तत्काला, कृपा दृष्ट अंजाह निर्यो, ताके ताप तनक मोहर्यो, रित सित गर्मो सब होई, तुष्ट छाव छ सके न कोई, एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फास देता ही उबारा, जिन नर नाम त्यारो का, दारी दुष्ट दोख तेरा, खड़क के तुम्हें शरण त्यारी, आप हाथ दैले हो बारी, सर्व ठोर मोहो साई, दुष्ट दोख ते ले ओ बचाई, कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूरन सुभ्राता, किल्बिक सगल देह को हरता, दुष्ट दोखियन को चय करता, श्री अस्तु जपे दयाला, पूरन करा ग्रंथ तत्काला, मनवा छत फल पावे सोई, दुख न तिसे वे आपत कोई, अड़िल सुने गुंग जो याए, सुरस ना पावे, सुने मूड चित लाए, चतुरता आवे, दुख दर्द पो निकट न तिन नर के रहे, हो जो या की एक बार,
चौपाई को कहे चौपाई। संबत 17 सहस पनीजे अर सहस पुन तीन कहीजे पादरव सुभी अष्टमी रवारा ती सतूद्रव ग्रंथ सुधारा इति श्री चरित्रोपख्याने त्रिया चरित्रे मंत्री भूप समाधे 405 चरित्र समापत मस्त शुभ मस्त अफजू दोहरा दास जान कर दास पर कीजे कृपा पार आप हाथ दे राख मोए मन करम बचन विचार चौपाई मैना गने से प्रथम मनायो किसन बिसन तबू नहत्यायो कान सुने पहचान न तीन सो लिव लागी मोरी पग इन सो महाकाल रखवार हमारो महा लेव मैं किंग कर थारो अपना जान करो रखवार बाएं गए की लाज विचार अपना जान मुझे प्रत करिए चुन चुन सत्र हमारे मरिए देख देख जग में दो चले राख आप मैं और न दले तुम मम करो सदा प्रतिपारा तुम साहेब मैं दास तिहारा दास तुम साहिब तुम साहेब मैं दास तिहारा जान अपना मुझे निवाज आप करो हमरे सब काज तुम हो सब राजन के राजा पे आप गरीब निवाजा दास जान कर कृपा करो मोहे हार परा मैं आन द्वार तो है अपना जान करो प्रतिपारा तुम साए मैं किंकर थारा दास जान दे हाथ उबारो हमरे सब बैरियन संगारो प्रथम करो भगवंत को त्याना बहोर करो कविता बिदनाना कृष्ण जथा मचित पुचारो चुक होए कब लियो सुधारो कवियो बाज दोहरा जो निज प्रमो सो कहा सो कहियो जग माए जो तय प्रभु को त्याए हैं अंत सुरक को जाए दोहरा हर हर जन दो एक है विचार किछ नाए जलते उपज तरंग जू जल ही बिखे समाए दोहरा जब आयस प्रभु को पेयो जन्म तरा जग आए अब मैं कथा संक्षेप तो सबहू कहत सुनाए कवियो बाज दोहरा हाड पे ओ मैं जोर कर बचन कहां सिर न्याए पंथ तर चले तब जगत में जब तुम करो सहाय दोहरा जो जो तुमरे ध्यान को नित उठ्याए है संत अंत लहेंगे मुक्त फल पावेंगे भगवंत दोहरा काल पुरख की देह में कोटिक बिसन महेश कोट इंद्र ब्रह्मा किते रव सस क्रोर जले दोहरा राम कथा जुग जुग अटल सब कोई पाखत नेत सुरग बास रघुबर करा सगरी पुरी समेत चौपाई जो एक कथा सुने अर गावे दुख पाप तै निकट नावे बिशन भगत की ये फल होई आद ब्याद छह सके न कोई संबत 17 सहस 55 हाड़ बदी प्रथम सुख दावन त्र प्रसाद कर ग्रंथ सुधारा पूल परी लो ले सुधारा दोहरा नेत्र तुम के चरण तर सतु द्रव तीर तरंग श्री भगवंत पूरन कियो रघुबर कथा प्रसंग दोहरा साध असाध जानो नहीं बात सबाद विवाद ग्रंथ सगल पूरन कियो भगवंत कृपा प्रसाद सवैया पाए गए जब ते तुम रे तब ते को आंख तरे नहीं आन्यो राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक न मान्यो सिमरत शास्त्र वेद सबे बो वेद कहे हम एक न जान्यो श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं न कहो सब तोए बखान्यो दोहरा सगले द्वार को छाड़ के गयो तुहारो द्वार बाहे गए की लाज अस गोविंद दास तुहार राम कली महला तीजा नंद इक ओंकार सतगुरु प्रसाद आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरता पाया सहज सेती मन वजिया वादाया राग रतन परवार परिया शब्द गावने आईया शब्दोता गाओ हरि के राम अंजनी वसाया कहे नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरे तू सदा रो हर नाले हर नाल रो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकारो करे तेरा कारज सब सुवारना सब नागला समृत स्वामी सो क्यों मनो विसारे कहे नानक मन मेरे सदा रो हर नाले साचे साहेबा क्या नहीं कर तेरे करता तेरे सब किछ है जिस ते वे सो पावे सदा सिप सलाह तेरी नाम मन वसावे
नाम जिनके मन वसे आवाजे शब्द कनेरे कहे नानक सच्चे साहेब क्या नहीं कर तेरे साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाईया करसान सुख मनाए वसिया जिन इच्छा सब पूजाईया सदा कुर्बान किता गुरु विटो जिस दिया ए बड़े आईया कहे नानक सुनो संतो सबतरो पे आरो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द कर सभागे कर सभागे शब्द वाजे कला जित कर तारिया पंच दूत दुदवास किते काल कंटक मारिया तुर करम पाया तुझ जिनको से नाम हर के लागे कहे नानक तै सुख हुआ तित करे न दवाजे अनद सुनो बड़े बागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बानी संत साजन पए सर से पूरे गुरते जानी सुनते पुनित कहते पवित सतगुर रे आबर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे सुनते पुनित कहते पवित सतगुर रे आबर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे मुंदावनी महला पंजवा थाल विच तीन वस्तु पईओ सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पेहो जिसका सब सदारो जे को खावे जे को पुंछे तिसका होए उतारो ए वस्त जी नह जाई नित नित रख उतारो तम संसार चरण लग तरिये सब नानक ब्रह्म पसारो श्लोक महला पंजवा तेरा कीता जातो नहीं मैनू जो कितोई मैं निर्गुण आरे को गुण नाही आपे तरस पे होई तरस पे आ मैं रहमत होई सतगुर सज्जन मिलिया नानक नाम मिले ता जीवा तन मन थीवे हरिया पौड़ी इत्थे तू समरथ जिथे कोई नाए ओथे तेरी रख अग्नि उदर माए सुन के जम के दूत नाए तेरे छड़ जाए पोजल विखम असगाओ गुर शब्दी पार पाए जिनको लगी प्यास अमृत से ही खाए कल में हो पुन गुन गोविंद गाए सबसे नू कृपाल समाले साए साए बिरथा कोई न जाए जय आवे तुदे आए श्लोक महला पंजवा अंतर गुरु आराधना जेवा जप गुर नाओ नेत्री सतगुरु पेखना सर्वनी सुन्ना गुरु नाओ सतगुरु से तीरत्या दरगे पाइये ठाओ को नानक कृपा करे जिसनु ए वत दे जग में उत्तम काढ़िए बिरले कई के महला पंजवा रखे रखन हारे आप उबारियन गुर की पैरी पाए काज सवारियन हो आप दयाल मनो ना विसारियन साध जना के संग पव जल तारियन साकत निंदक दुष्ट खिनमाए बिदारियन इस साहेब की टेक नानक मने माए जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाए इस साहेब की टेक नानक मने माए जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाए वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह जी श्लोक गुरुदेव माता गुरुदेव पिता गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा गुरुदेव सखा ज्ञान पंजन गुरुदेव बंदप सहोदरा गुरुदेव दाता हर नाम उपदेसे गुरुदेव मंत निरोधरा गुरुदेव सांत सद्बुद्ध मूरत गुरुदेव पारस परस्परा गुरुदेव तीर्थ अमृत सरोवर गुर ज्ञान मजन अपरंपरा गुरुदेव करता सब पाप हरता गुरुदेव पतित पवित्रा गुरुदेवा जुगा जुग जुग गुरुदेव मंत हर जपुद्रा गुरुदेव संगत प्रमेल कर कृपा हम मूड पापी जित लग तरा गुरुदेव सत गुर पार ब्रह्म परमेश्वर गुरुदेव नानक हर नमस्करा गुरुदेव सत गुर पार ब्रह्म परमेश्वर गुरुदेव नानक हर नमस्करा वाहेगुरु जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह जी तू ठाकुर तुम
अरदास जियो पिंड सब तेरी रास, तुम मात पिता हम बारिक तेरे, तुमरी कृपा मैं सुख गनेरे, कोई न जाने तुमरा अंत, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत, सगल समगरी तुमरे सुतरदारी, तुम ते होए सो आगे आकारी, तुमरी गत मित तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। बोलो जी वाहे गुरु जी। तुदा अगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा, कहो नानक सब तेरी वड्याई, कोई ना हो ना जाने मेरा अरदास। तीने ताप निवारण हारा, दुखंता सुखरास, ताको बिगर न को लागे जाकी, प्रभागे अरदास। अरदास इक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार, श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर के, गुरु नानक ले त्याय फिर अंगद गुरते अमरदास रामदास होई सहाय, अर्जन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हर राय। श्री हर किशन जी त्याये जिथे सब दुख जाए, तेग बहादुर सिमरिये कर नौनी दयावे ताए, सब थाई होए सहाय दसवें पातशाह। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जीओ महाराज, सब थाई होए सहाय, दसां पातशाहियां दी जोत। तन तन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दर्शन दीदार दा ध्यान करके, बोलो जी वाहेगुरु। पंजा प्यारियां चौह सब जादिया, चाली मुक्तिया, हठिया जपिया तपिया, जिन्हां तेरा नाम जपिया, वंड के छकिया, देख चलाई देख वाई देख के अंडिट किया, तिना प्यारे सचारे की पवित्र कमाई का ध्यान धर के, खालसा जी साहब बोलो जी वाहेगुरु। जिन्हां सिंघां सिंघनिया ने धर्म हेत शीस दिते, बंद बंद कटाए खोपड़ियां लोहाइया च रखिया ते चढ़े, तनारिया नाल चिराए गए गुरुद्वारिया, दिसे वाली कुर्बानियां दित्तियां, धर्म नहीं हारिया, सिखी सिदक के सांस वासा संग निभाई, तिना की पवित्र कमाई का ध्यान धर के, खालसा जी साहब बोलो जी वाहेगुरु। पंजा तख्तां सरबत गुरुद्वारिया दे दर्शन दीदार दा ध्यान करके, बोलो जी वाहेगुरु। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी, सरबत खालसा जी को वाहेगुरु वाहेगुरु। वाहेगुरु नाम चितावे चितावन का सत्कार, सर्ब सुख होवे जहां जा खालसा जी साहेब, तहां तहां रचा रहा है देख देख फतेह, बिर की बैज पंथ की जीत, श्री साहेब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले, बोलो जी वाहेगुरु जी। आप जी दे सिखां नूं सिखी दान, केस दान, रहत दान, विवेक दान, विसाह दान, भरोसा दान, दाना सिरदान, नाम दान, श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान, चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार, बोलो जी वाहेगुरु जी। आप जी दे सिखां दा मन नीवा, मत उच्ची मत पद्धर रखा वाहेगुरु। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाय दतार जी, श्री ननकाना साहिब अते होर गुरुद्वारिया गुरधामां जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है, खुले दर्शन दीदार अते सेवा संभाल ददान, प्यारे खालसा जी नूं बख्शो। हे निमानियां दे मान, नितानियां तान, नियोटियां दी ओट, नियासरियां दे आसरे, निपत्यां दी पत, तन तन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज, जागदी जोत, तन तन गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह जीओ महाराज, तन तन गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह, तन तन श्री गुरु हरकिशन साहिब जीओ महाराज। आप जी दी अपार बख्शिश रहमत सदका, आप जी ने अमृत जीवन कोश दी सारी संगत दे शीश ते मेर पर हाथ रख के संध्या वेले दे दीवान सजाए, सजे हुए दीवाना विच आप जी दी सारी संगत ने रल मिल के जुड़ के अपने अपने ग्रह विखे बैठ के आप जी दी अमृतमयी बाणी, राम कली की वार, बलवंड बलवंड तथा सत्य डुमाखी, श्लोक महला नौवां साहिब जी दे पाठ, शब्द हजारे साहिब जी दे पाठ, शस्त्र नामाला जी दे पाठ, चौपाई साहिब दे पाठ, उपरंत संध्या वेले दी बाणी सोदर रास साहिब जी दे पाठ जी दी सेवा, जिन्हें आप अपनी सरबत संगत दे शीश ते मेहर भरिया हथ रख के बख्शी दतार पातशाह जी, आप जी का कोटान कोट शुकराना, आप जिन्हें आप अपना बख्शिश भरिया हथ रख के सेवा लई संगत कोलों दतार पातशाह जी, पढ़ी सुनी बाणी सचखंड विखे प्रवान करनी, बाणी का भाव सारी संगत दे हिरदे विच वसाना दतार पातशाह, आप जी की सारी संगत कोलों आप जी की बाणी उचार दया विचार दया बोल दया सुन दया, अनेक ही प्रकार दया भुला चुका हो गया होंगे आप जी, अनजान बच्चे जान के क्षमा बख्शिश करनी, अगे तो बाणी शुद्ध अते स्पष्ट पढ़न की समर्था बख्शनी, बाणी का भाव बाणी का एक अखर
सारी संगत दे हिरदे विच वसाना, सारियां संगतां दे परिवारां सुख शांति, देह रोगता तंदुरुस्ती दे दान बख्शने, दसानू वालियां सच्चियां सुच्चियां किरत कमाईयां बरकतां पाना, बच्चियां नू चंगी सुमत बख्शनी, बच्चियां नू माता पिता दा आग्याकार बनाना, देश कौम दा सेवादार बनाना, नाम बाणी नाल जोड़ना, विद्या दे दान बख्शने, कारोबार दे दान बख्शने, दतार पातशाह जो आप जी दी संगतां दे बच्चे देश विदेश जिथे भी रहिंदे हन आप जी ने हमेशा उन्हां नू चढ़दी कला विच रखना है, उन्हां ते अपना बख्शिश भरी निगाह हमेशा उन्हां ते बना के रखनी है, गुरसिखी जीवन बख्शना सच्चे पातशाह, उन्हां ते हमेशा अपना बख्शिश भरिया हथ रखना दतार पातशाह, आप जी दे हजूर अरदास बेनती है, आप जी दी दरो करो दे प्रीतमन साडे प्यारे भैन जी जसमीत कौर जी, हरलीन जी, प्रीति जी, कवलदीप कौर जी, सारिआं नूं देह रोगता तंदुरुस्ती दे दान बख्शो, उन्हां ते आए हुए श्री कृष्ण नूं आप ही उबार लो सच्चे पातशाह जीओ, जो भी उन्हां दी परिवारिक समस्यावां आप ही उन्हां दे हल कढो दतार पातशाह जीओ, साडे प्यारे भैन जी कवलदीप कौर जी नूं जो इस समय अपने बीमारी तो लैके काफी परेशान हन, सच्चे पातशाह आप मेहर ते बख्शिश भरिया हथ रख के उन्हां दे अंग संग साई होके उन्हां दी रक्षा करो, उन्हां नूं स्वस्थ जीवन बख्शो, सारी संगत नित प्रति उन्हां वास्ते अरदास करदी है, दतार पातशाह जीओ नेड़े होके सारी संगत दी अरदास खाए पाओ सच्चे पातशाह, आप जी दे हजूर बच्ची अवि कौर ज्योति दी नेत्रा दी अपने नेत्रा तो जो भी उन्हां नूं प्रॉब्लम है आप मेहर करो, उन्हां दी इस प्रॉब्लम नूं खत्म करो दतार पातशाह जीओ, बच्ची सुखमनदीप कौर सच्चे पातशाह जो भी उन्हां दी परिवारिक समस्यावां हन उन्हां दा आप ही हल कढ़ना है सच्चे पातशाह, बस अपनी मेहर भरी निगाह आप जी परिवार उत्ते पाओ, बच्ची उत्ते पाओ सच्चे पातशाह जीओ, और प्यारी बच्ची गुरप्रीत कौर, सरदार परविंदर सिंह जी, सेवक लीन सिंह जी सच्चे पातशाह, और जो भी संगतां दे आप ना जानी जान पिता हो सच्चे पातशाह, बच्चा अजीत सिंह जो बच्चा भयानक बीमारी नाल जूझ रहा है उस बच्चे दे आप मेहर भरिया हथ रखो दतार पातशाह जीओ, और बच्चा इशप्रीत सिंह जो मानसिक रोगी उस बच्चे नूं देह रोगता बख्शो सच्चे पातशाह, बच्ची मनरीत कौर जो बोल नहीं सकती उस बच्ची नूं सोने बोल बख्शो ताकि संगत विच आके आप जिदा हर जस कीर्तन गायन कर सके सच्चे पातशाह, ही अरदास नित प्रति सारी संगत करदी है दतार पातशाह, आप जी हुण कृपा करो आप इसी तरह दतार पातशाह अपनी संगत ते अपनी बख्शिश भरी निगाह इसी तरह बना के रखना, अमृत वेले दा जागरण नित नेम साहिब दी दाता सारी संगतां दी झोली विच पाना सच्चे पातशाह, हुण आप अपने कृपा करो अपने पवित्र इलाही हुक्मनामे सुना के संगतां नूं निहाल करो ते अपने हुक्मनामे साहिब ते चलन दी समर्था बख्शना, साढ़े प्यारे भैन जी पुनप्रीत कौर जी नूं भी देह रोगता दे दान बख्शो, जो भी उन्हां नूं शरीरिक परेशानी आई है आप उहदा निवारण कढो सच्चे पातशाह जीओ, कृपा करो मेहर करो दतार पातशाह, आप जी हुण जो रहिंदा होया नितनेम है जो रहिंदियां होईआं क्रियावां हन उन्हां नूं संपूर्ण करन दी आग्या बख्शो, अते अपने हुक्मनामे सुना के संगतां नूं निहाल करो अते अपने हुक्मनामे साहिब ते चलन दी समर्था बख्शना, अरदास बेनती करदियां होईआं बेअंत बेअंत भुला चुका नूं बख्श लैना, अगे तो सुमत बख्शनी अखर वादा काटा भुल चुक माफ करनी, सरबत दे कारज रास करने सही प्यारे मेलो, जिना मिलिया तेरा नाम चितावे गुरु नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सरबत दा भला, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह जी, बोले सो निहाल सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह जी, सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी, सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी, दंडोत बंदने अनेक बार सर्ब कला समर्थ, डोलन तेरा को प्रभु नानक देकर हथ, हम अवगुण पर एक गुण नाही, अमृत चाट बिखे बिखाई, माया मोह परम पै पुले सुखदारा सु प्रीत लगाई, इक उत्तम पंत सुन्यो गुर संगत तह मिलंत जम त्रास मिटाई, इक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो सरनाई,
ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਨਾਈ ਸੋ ਕੋਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਏ ਐਨ ਸੋ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੀਐ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁੱਖ ਜਾਏ ਹੋਵੇ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੀ ਨੂਰ ਅਰਸੋਂ ਪੁਰਸੋਂ ਚਟੀਏ ਤੁਦ ਡਿੱਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕਟੀਏ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਿਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਓ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਈਏ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵਿਸਾਓ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਇੱਛਾ ਪੂਰਕ ਸਰਬ ਸੁਖਦਾਤਾ ਹਰ ਜਾਕੇ ਵਸ ਹੈ ਕਾਮ ਦੇਨਾ ਸੋ ਐਸਾ ਹਰ ਤਿਆਈਏ ਮੇਰੇ ਜੀੜੇ ਤਾਂ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਵੇ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਇੱਛਾ ਪੂਰਕ ਸਰਬ ਸੁਖਦਾਤਾ ਹਰ ਜਾਕੇ ਵਸ ਹੈ ਕਾਮ ਦੇਨਾ ਸੋ ਐਸਾ ਹਰ ਤਿਆਈਏ ਮੇਰੇ ਜੀੜੇ ਤਾਂ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਵੇ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਜਪ ਮਨ ਸਤਨਾਮ ਸਦਾ ਸਤਨਾਮ ਹਲਤ ਪਲਤ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹੋਈ ਹੈ ਨਿਤ ਤਿਆਈਏ ਹਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨਾ ਰਾਓ ਜੈ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਪਿਆ ਕੈ ਉਪਾਦ ਗਤ ਕੀਨੀ ਵਡ ਬਾਗੀ ਹਰ ਜਪਨਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋ ਗੁਰ ਏ ਮਤ ਦੀਨੀ ਜਪ ਹਰ ਪਉ ਜਲ ਤਰਨਾ ਜੈ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਪਿਆ ਤੈ ਉਪਾਦ ਗਤ ਕੀਨੀ ਵਡ ਬਾਗੀ ਹਰ ਜਪਨਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋ ਗੁਰੇ ਮਤ ਦੀਨੀ ਜਪ ਹਰ ਪਉ ਜਲ ਤਰਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ ਬੋਲੇ ਸੋਨੇ ਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈਂਦੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਫੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਆਪ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਸਲਾਹ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਸਵੇਰੇ 2:30 ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ 2:30 ਨੇ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ ਅਭਿਆਸ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਤੁਮ ਦਾਤੇ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ ਨਾਇਕ ਖਸਮ ਹਮਾਰੇ ਨਿਮਕ ਨਿਮਕ ਤੁਮ ਹੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲੋ ਹਮਬਾਰਕ ਤੁਮਰੇ ਤਾਰੇ ਮੇਰੀ ਆਪ ਜੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖੋ ਵਿਚਾਰ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ 2:30 ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਤੁਮ ਦਾਤੇ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ ਨਾਇਕ ਖਸਮ ਹਮਾਰੇ ਨਿਮਕ ਨਿਮਕ ਤੁਮ ਹੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲੋ ਹਮਬਾਰ ਤੁਮਰੇ ਸਾਰੇ ਦੇਵਾ ਇਹ ਕਵਨ ਗੁਣ ਕਹੀਏ ਬੇਸੁਮਾਰ ਬੇਸੁਆਮੀ ਫਿਰ ਅੰਧ ਨਾ ਕਿੰਨੇ ਲਈਏ ਰਹਾਓ ਕੋੜ ਪਰਾਧ ਹਮਾਰੇ ਖੰਡੋ ਅਣਗਿਣ ਸਮਝਾਓ ਅਮ ਗਿਆਨ ਅਲਪ ਹਥਕੋਰੀ ਤੁਮ ਆਪਣ ਬਿਰਧ ਰਖਾਓ ਤੁਮਰੀ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਹਾਰੀ ਆਸਾ ਤੁਮੀ ਸਿਰਨ ਸੁਖੇਲੇ ਰਾਖੋ ਰਾਖਣ ਹਾਰ ਦਿਆਲਾ ਨਾਨਕ ਘਰ ਕੇ ਕੋਲੇ ਜੀ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਸੀ ਪਲੀਜ਼ ਆਪ ਜੀ ਦੱਸ ਦੋ ਕਿ ਬਈ ਕੱਲ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਹੈ 2:30 ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਲੇ ਨਹੀਂ
ਆਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਆਪ ਸਭ ਕੋਲ ਮਾਈਕ ਵੀ ਹੈ, ਆਪ ਵੀ ਲਿਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। अगर आप जी विचार संग जी नहीं दोगे तो फिर मैं इन्होंने नो समझांगा, फिर जिस तरह चल रहा उस तरह चलन दांगे। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿਓ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸ਼ਰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸ਼ਰਮ ਆਏਗੀ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉੱਠਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਦੀ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਸੰਗਤ ਚੈਟ ਬਾਕਸ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, अपने मेरे विचार ते कोई नहीं है जी, संगत ना लिए जी, अपना मेरा पर्सनल विचार कोई नहीं। ते जिस तरह शुरू तो होंदा एक साल तो वही फॉलो करांगे, जिस तरह संगत ऑर्डर देगी उस तरह आगे चलांगे जी। जो असि पैटर्न फॉलो करते हैं, जी जड़ा काम पांच संगत कह दें जिन्होंने ओके कर दें वही फॉलो करांगे जी। ते बहुत शुक्राना संगत जी कि आप जी ने चैट बॉक्स ओके करता। आप सब नू रिक्वेस्ट है जी कि आप जी भी मेरी भी अरदास करो कि मैं भी 2:30 सावधान होकर आप जी चरण हाजिर हो जाए और आप जी भी नाल बैठ के असी पहले 2:30 मूल मंत्र साहब, फिर 3:00 गुरु मंत्र साहब, 4:00 नित्यनेम शुरू होएगा जी। आप जी की असीसत का मैं जगारा बुला रहा जी। आप जी भावे चैट बॉक्स भावे माइक ते आप जी जरूर अपनी अपनी असीसा बख्शना जी। बोले सो हाल बहुत धनवाद संगत जी, बहुत ही धनवाद। अमृत वेला संभालन वास्ते असी अपने सब तो जरूरी है कि रात संभालीए शाम संभालीए तो उन्होंने मुख सड़क देवे कि आप सबनों बेनती है कि आप जी समय सिर ज्वाइन करके समय सिर समाप्ति करिए। और संगत जी 7:45 या 7:50 तक करमजीत कौर जी आप जी सेवा करो, जिनकी भी हो जाए राइट 8:00 असं समाप्ति कर दिया करा, ताकि अगले दिन फिर असी सारा अपना टाइम ना संभाल पाई। करमजीत कौर जी प्लीज कंटिन्यू। हां जी वीर जी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वीर जी आज दी विशेषता ही मुझे लगता है कि टाइम से पूरी हो जाएगी, कोशिश कर। हां जी तन तन श्री गुरु अर्जन देव जी सच्चे पातशाह। संगत जी जिवें कि आपां सत विशेषताइयां पूरियां कर चुके हैं, अज 8वीं विशेषता पढ़नी है। संगत जी की सिफतां करिए सतगुरु के बख्शे हुए सनमोल खजाने दे, हत्थां ते सरों जमाउण वालियां गल्लां हन, कोई सुनिया सुनाईया नहीं हन। जिस किसी ने भी इस बाणी का आसरा लिया है, चाहे वह किसी भी धर्म का होवे, भावे उसने बाणी तन करके पढ़ी होवे भावे मन करके, इस बाणी ने उसका लोक परलोक सवार ही दिता है। सुखमनी साहब की बाणी धन श्री गुरु अर्जन देव जी ने गुरद्वारा मंजी साहब रामसर साहब के नाल श्री अमृतसर साहब विखे गौड़ी राग में उच्चारण की। यह बाणी धन श्री गुरु ग्रंथ साहब विच अंग 262 तो 296 तक दर्ज है जी। सत्वी विशेषता ही, जे कोई औगण छड़ना साडे वस विच ना होवे, श्री सुखमनी साहब जी का नेम वधाओ, तुहाडा औगण दूर करन दी ड्यूटी गुरु अपने ते लै लवेगा। हर इंसान विच कोई ना कोई गुण जरूर हुंदा है,
ਅਤੇ ਔਗਣ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਬੜੇ ਹੋਏ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਔਗਣ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਗੁਣ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਔਗਣ ਹੈ। ਉਹ ਔਗਣ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਗਣ ਹੈ, ਪਰ ਪਹਿਚਾਣ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਿਤੜਕ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਔਗਣ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਕਿਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰਮਿਖ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਦੀ, ਉਸਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਨ ਪੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਔਗਣ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਔਗਣ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ, ਹੁਣ ਵਸ ਨੇ ਔਗਣ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਦਾ, ਪਰ ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਤੜਕ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਲੁਕ ਲੁਕ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਔਗਣ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਔਗਣ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਜਾਣੀ ਵੀ ਉਸਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਔਗਣ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਤਾ ਤੇ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਔਗਣ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਈ ਔਗਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਪਾਉਣਾ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ, ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ, ਸਾਖ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਪਾਉਂਦੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਔਗਣ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਵੋ ਮਾਸ ਖਾਣਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਔਗਣ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਸਵਾਦ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਕਈ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਪਾਉਂਦੇ। ਰੋਮਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਈ ਬੀਬੀਆਂ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ, ਮਾਹੌਲ, ਸੋਸਾਇਟੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਔਗਣ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸੌਖਾ ਢੰਗ ਜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜੁਗਤੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਪਾਠ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੋਜ਼, ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਦਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਨਿਤ ਉਸ ਔਗਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਔਗਣ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਐਸਾ ਨਿਰਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾੜੀ ਮਤ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਆਈ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਕੁਦਰਤੀ ਕਿਧਰੇ ਮੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਚਨ ਚੱਲ ਪਿਆ ਆਈਬ੍ਰੋ ਬਣਾਉਣ ਤੇ। ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ, ਸਾਖ ਸੰਬੰਧੀ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਨਾ ਬਣਾਈਏ ਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹਾਂ ਛੱਡਣਾ, ਪਰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂ ਆਈਬ੍ਰੋ ਬਣਾਉਣੇ, ਛੱਡ ਦੇਵਾਂ ਰੋਮਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਅਜੇ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਗੱਲ ਮਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੀ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚੰਗਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਮੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਸੰਗਤ ਕਰੇ, ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਮੰਦਾ ਕੰਮ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਮੰਦੇ ਤੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੰਜ ਵੀ ਕਹਿ ਲਵੋ ਕਿ ਮਨ ਪੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਭੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਭੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਮਿਲੀ, ਨਹੀਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ, ਉਹ ਇਹੀ ਕਹੇਗਾ ਰੋਮ ਕੱਟਣਾ, ਅੰਡਾ ਮੀਟ ਖਾਣਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਇਸ ਬੀਬੀ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੀ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਇਸਦੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅੱਖ ਤਾਂ ਖੁੱਲੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਘਰ ਦੀ ਉਹ ਕਲਾਸ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਾੜੇ ਚੰਗੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਚਾਹਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਰੋਮਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਛੱਡ ਦਵਾਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ, ਔਗਣ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਣੀ ਤੇ ਔਗਣ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਚਾਹਤ ਹੋਣੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ।
क्योंकि आम बंदे नूं तां अपने अंदरले औगण नजर ही नहीं आउंदे ते जिन्ना चिर अपने औगण नजर ना आउण उन्ना चिर उन्हां नूं दूर करन दा ख्याल भी पैदा नहीं हो सकता। जदों असीं अपने औगणां नूं समझ जांदे हाँ फिर हौली हौली उन्हां नूं अपनी जिंदगी विचों कढ़न की कोशिश करदे हाँ। जदों उस बीबी ने यह कहा कि मेरी चाहत है, मेरा मन चाहुंदा है कि मैं औगण छड्ड दवां, तां दास ने महापुरशां वल्लों मिली सुमत अनुसार उसनूं बेनती कीती कि अपने नितनेम तों इलावा एक पाठ सुखमनी साहिब दा रोज दा इस औगण छड्डन दे संबंध विच कर लिया कर। हफ्ते बाद शहीदां साहिब जां दरबार साहिब जाके जिथे भी श्रद्धा होवे देख करा के वक्री अरदास करी कि हे सच्चे पाशाह ये एक औगण है मेरी जिंदगी विच जो जांदा नहीं, तू रहमत कर इन्ने पाठ हफ्ते दे इस औगण नूं छड्डण लई सतगुरु तेरी कृपा नाल हाजरी लाई है, तुसी ये सेवा लई है। वह बीबी इसे तरह रोज एक पाठ करके इस औगण लई अरदास करदी रही। वेखो गुरु साहिब दी बिद, किसे घर ये बीबी सत्संग ते गई, किसे घर ये बीबी सत्संग ते गई, एक बड़े कमाई वाले विरखत महापुरश उत्ते आए सन। इसने उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे मेरे कहने विच नहीं हन। महापुरश ने कहा कि घर जाके शीशे विच अपनी शकल वेखी कि की तेरा चेहरा माता साहिब कौर नाल मिलदा है, की हो गया है मत नूं, बच्चे की कहने विच लगन। अजही महापुरशां दी गल हिरदे विच वज्जी कि बिद बन गई सुधरन दी। किथे तां उह बीबी आप नहीं सरोमा दी बेअदबी छड्डदी ते किथे उस बीबी ते इन्नी कृपा हो गई सुखमनी साहिब दी इक बारी ने अंदर इन्ना मजबूत कर दिता कि उस बीबी ने कईयां नूं प्रेरणा दे के सौगन नूं छुड़ाया। इन्ना लाभ है सुखमनी साहिब दी बाणी पढ़न दा। जे सुखमनी साहिब दा लड़ फड़ लईए ता गुरु दी ड्यूटी लग जांदी है साडी माड़ी मत साडे औगण नूं दूर करन दी। गुरु अर्जन देव जी फरमाउंदे हन सिख की गुर दुरमत मल हिरै, अर्थ समझो दुरमत कहिंदे हन खोटी मत नूं, हिरै तो भाव है दूर करना, भाव गुरु दी ड्यूटी लग जांदी है सिख दी माड़ी मत नूं दूर करन दी। लोड है जुगती दी, सच तां पर जाणीए जा जुगत जाने जियो। दास पानी दे भरोसे नाल ओदी कृपा नाल दावे नाल ये लिख रहा है कि जदों तुसी इस तरह जुगती दे नाल अपने नितनेम तो इलावा सुखमनी साहिब दी बाणी पढ़ के अपने किसी औगण नूं छडाउणा प्रति अरदास करोगे, अपने किसी औगण नूं छडाउण प्रति अरदास करोगे तां हफ्ता नहीं ते 15 दिन, 15 दिन नहीं ते महीना, महीना नहीं ते 2 महीने जां थोड़ा होर वध समां तुहाडा इह औगण बाणी नाश कर देवेगी। तुहाडे उह माड़े कर्म जिहड़े उह औगण तुहाडे कोलों करवाउंदे हन बाणी उहनां माड़े कर्मां नूं बदला देवेगी। पक्की गल है जदों तुसीं बाणी पढ़ के गुरु दे चरणां विच अरदास करदे हो कि मेरा फलाणा औगण चला जावे पर तुहाडे कर्मां विच लिखिया है उह औगण, क्योंकि इह वी कर्मां दी खेड हुंदी है। जेकर साडे कर्मां विच लिखिया है रज के क्रोध आउणा तां असीं क्रोधी होवांगे, जेकर किसी के कर्मा विच लिखा है कि यह बंदा रज के झूठ बोलेगा तो यह औगण उस विच होवेगा। कदी तुसी नोट करो कई बारी इको ही कुक विचों जन्मे दो पुत्र होंगे हैं, एक बड़ा सहज वाला होंदा है जबकि दूजे का सुभाव बड़ा क्रोध वाला होंदा है। यह भी कर्मा की खेड है पर गुरु नानक का घर बड़ा ही बख्शिश वाला घर है, बड़ा ही रहमत वाला घर है। उस कोल कई रस्ते हैं साडे औगण नूं नाश करन दे। वह चाहे तो इन्हां चीज़ां का मोड़ किसी होर बन्ने मोड़ सकता है, किसी एहो जिही चीज़ ते भी पा सकता है जिसका नुकसान कोई नहीं जे साडा फायदा हो जाए। दास कई बार जदों इतिहास पढ़ता है तो ऐसिया ऐसिया निरालिया बीतियां गल्लां पढ़न नूं मिलदियां हन कि सोचन तो भी परे होंदियां हन। दास संत विसाखा सिंह जी का इतिहास पढ़ रहा सी, बड़ी हैरानी हुई जिसनों आप जी नाल सांझा कर रहा हाँ। एक बार किसी गुरसिख प्रेमी ने संत विसाखा सिंह जी नूं बेनती की कि साढ़े घर प्रशादा छको। महापुरश कहन लगे कि पहले 200 पाठ जपजी साहब दे घर फिर आवांगे, क्योंकि सच्चे संत महापुरशां दी यही भेटा हुंदी है, उन्हां दी यही भावना हुंदी है कि कोई किसे तरीके बाणी नाल जोड़ जावे, उन्हां नूं होर कोई दुनियावी लालच नहीं हुंदा। वह भी कोई प्रेमी सी
अंदरों खिच सी कि महापुरश मेरे घर किसी तरीके प्रशादा छकन। थोड़े दिन बाद 250 पाठ करके फिर महापुरशों के चरणों में जाके बेनती की कि महापुरशो मेरे घर प्रशादा छको। महापुरशों ने मंजूरी दी। जिस दिन महापुरश उस प्रेमी के घर गए प्रशादा छकन, चार पांच शरीर होर भी उन्होंने नाल सन। बड़े प्रेम नाल उसने सारिया प्रशादा छकाया। प्रशादा छकाने तो बाद निम्रता सहित बेनती की, महापुरशो तुहाडे कोल एक भीख मंगनी है, तुहाडे कोल एक भीख मंगनी है। महापुरशा ने सोचा माया मंगेगा जां औलाद मंगेगा जां कोई होर शरीरक कष्ट होएगा, उसकी बेनती करेगा। पर उसकी बेनती सुन के हैरान हो गई। जो उसने कहा, महापुरशो मेरी अरदास कर दो कि मेरा सुभाव सहज वाला हो जाए, शांतमई हो जाए, क्योंकि मैनु क्रोध बहुत आंदा है। जो मैनु गुस्सा आंदा है तो पता ही नहीं लगता, तो आपे तो बाहर हो जाता हाँ। 10-15 मिनट तो बाद महसूस होता है कि मैं बहुत गलत किया, पर जो मैनु क्रोध आंदा है तो पता ही नहीं चलता। कई बार सानू पता होंदा है अपने औगण का, पर उसनु दूर करना साडे वास विच नहीं होंदा। वह भी भागा वाले हैं जिहड़े अपने औगणा की विचार करते हैं। जदों उस गुरसिख ने महापुरशां अगे अपने औगण नूं दूर करन दी बेनती कीती, तां महापुरशां ने अंदर ध्यान हो के वेख्या कि इसने पिछले जन्म विच कर्म ऐसे कीते हन कि इसके कर्मा विच लिखिया है क्रोध करना। सोची पै गए कि की करिए, है भी प्रेमी, 250 पाठ जपजी साहब दे भी कीते हन, प्रशादा भी छकाया है प्रेम नाल, जे कोई जुगती ना दे के गए, इसकी भावना पूरी ना की तो की मजा आया। उन्होंने हिरदे विचों अरदास निकली, सतगुरु कृपा करो इसके सुभाव विच सहज आ जाए। अगो इशारा होया कि इसके कर्मा विच लिखा है क्रोधी होना। महापुरश इन्ने दयालु कि दोबारा अरदास की कि सतगुरु कोई बिद बनाओ, औगण किवें भी चला जाए। अरदास तो बाद जो प्रेरणा हुई नेम दी, ओ ए दिती। महापुरश कहन लगे, संतोखसर साहब तो अमृत लियाना है, कौली च पा के एक पाठ सुखमनी साहब का करके अमृत पीना है, पर 7वें दिन अरदास करनी है, 13 हफ्ते 2 वारी हाजरी लानी है। ऐसा संतोखसर का वर संतोख का, ऐसी सुखमनी साहब की बख्शिश वरती, साखी च लिखा है। इन्हों को एक प्लॉट सी, इन्हों के गुआढ़ी ने अपने प्लॉट की कंध 3-4 इंच इन्हों के प्लॉट विच रख दिती सी। परिवार कहता है कुछ करो, पर वह क्रोधी ते इतनी कृपा हो चुकी सी ते कहता सी जगह नाल जानिया कोई नहीं, 4 इंच इधर की ते उधर की। सुखमनी साहब की बाणी ने क्रोध दे औगन नूं खत्म कर दिता। महापुरश बाबा आनंद सिंह जी तो गुरु नानक के प्यार विच इत्थों तक वचन करते सन कि जिंदगी विच विचरदियां किसी समय एहो जिहा समा बन जावे, तेरे अंदर किसी किस्म की वासना की अग हावी हो जावे, जा कोई अंदर विकार हावी हो जावे, कोई शरीर ऐसी गल कह देवे बर्दाश्त ना होवे, गुस्सा चढ़ जावे, क्रोध हावी हो जावे, तो गुरु नानक गुरु ग्रंथ साहब के चरणों विच पै के ये पढ़िया करो। गुरु नानक दाता बख्श ले, बाबा नानक दाता बख्श ले, गुरु नानक दाता बख्श ले, बाबा नानक दाता बख्श ले, गुरु नानक दाता बख्श ले, बाबा नानक दाता बख्श ले। बड़ी डूंघाई दी गल है पल्ले बन्नी, जदों भी अंदर हनेरी चल पवे, वासनावां दी विकारां दी काबू तो बाहर हो जावे, टै पवो सतगुर दे चरणा विच, फिर वेखो कुछ समय विच ही किवें वरतदा है, किवें बौड़दा है, किवें अंदर शांति बख्शिश करदा है। अमृतसर सुल्तान पिंड पिंड दा एक शरीर है, उसने अपनी आप बीती सुनाई। कहिंदा है, एक बारी मैं साइकिल ते पिंड तो इधर वल नूं आ रहा सी। 6 महीने पहले किसी शरीर ने उसकी पैसे मारे सन, उसका ध्यान अचानक उस शरीर वाल चला गया। दिमाग विच उसके विरुद्ध ख्याल चलने शुरू हो गए, अंदर कल्पना शुरू हो गई, क्लेश शुरू हो गया। उस समय ना वो बंदा सामने सी, ना कोई गल हुई,
बस अचानक ही दिमाग उधर चला गया ते अंदर कल्पना शुरू हो गई। मन विच इतना कलेश वध गया कि कंट्रोल करना औखा हो गया। इन्नी अंदर गुस्से की अग्नि हावी हो गई कि मन कहे हुणे उसके घर जावां ते उसनूं छड़ना नहीं, उसके घरदियां नूं उसके मुहल्ले विच जाके उसकी बेइज्जती करां। गुरमुख सी जानदा सी क्रोध बहुता माड़ा है, इसने मैनूं काबू तो बाहर कर देना है जिस नाल नुकसान हो सकता है। रस्ते विच ही गुरुद्वारा है अटारी साहिब। जदों गुरुद्वारे दे अगों लंघिया तां उत्थे साइकिल खड़ी करके गुरुद्वारे दे अंदर चला गया ते जाके अरदास कीती, सतगुरु जी कृपा करो जिस शरीर ने अज तो 6 महीने पहला मेरे पैसे मारे सन अज अचानक दिमाग विच उस प्रति माड़े ख्याल आने शुरू हो गए हैं। अंदर क्रोध इन्ना भड़क गया है ते मैनूं डर है कि मैं किधरे आपे तो बाहर ना हो जावां, किधरे कोई ऐसा कदम क्रोध विच आके ना चुक बैठा जिस कारण मैनूं बाद विच सारी जिंदगी पछतावा होवे, किधरे मैं उसके घर जाके उसनूं बोल कबोल ना बोल आवां, उस नाल लड़ाई झगड़ा ना करन चला जावां, आप कृपा करके मैनूं संभाल लवो। वाह वाह साध संगत कुर्बान जाइए उसनूं जिसनूं औगण की पहचान हो जावे ते गुरु अगे औगण नंगा कर देवे कि मेरे वास नहीं, सतगुरु तू संभाल मैनूं सेध दिओ। उस शरीर ने अपनी आप बीती सुनाई, कहन लगा कि मैं 15 मिनट उत्थे ही सतगुरु के चरणों में बैठा 6 अष्टपदियों का पाठ किया। वो कहन लगा जदों मैं 6 अष्टपदियां करन तो बाद उत्थों उठिया तो मेरे अंदर इन्नी कु शांति आ चुकी सी कि कोई कल्पना नहीं सी, कल्पना रही ही नहीं सी, सतगुरु की कृपा वरत गई। दास का यह विचार सांझी करन का सिर्फ इन्ना ही मकसद है कि साडा पिता साडा मालक बहुत समर्थ है, वह सब कुछ कर सकता है, सब उस दियां अपनियां बनाईयां कुंडियां हन, अपनी बनाई हुई लीला है। आप औगण प्रति सुचेत होइए ते नेम बधाईए उस औगण प्रति फिर कृपा हो जाती है। बाबा जी बचन करदे सन कि निम्रता रखन नाल विपता का समा टल जाता है। कदी नोट करियो 1 मिनट की रखी हुई निम्रता जबान ते कीता कंट्रोल बड़िया वड्डिया विपतावां नूं जन्म देण तों बचा लैंदा है। महापुरश बचन करिया करदे सन कि जबान विचों निकलिया होया एक भी गलत लफज तख्ते ते बिठा सकदा है ते इसे जबान विचों निकलिया चंगा बचन मिठा बचन तख्त ते भी बिठा सकदा है। दास ने ना नहीं लैणा, सिर्फ सोझी लई लिख रहा हाँ कि कोई लीडर सी जिस ते मूंह विच कोई एहो जिहा बचन निकल गया, स्टेज तो कोई एहो जी गल कह दिती कि उसकी सारी जिंदगी हिल गई। तुहाडे अंदर कदी एहो जी हनेरी आवे, जबान तो एहो जिहा बोल कबोल का खतरा होवे जिस नाल तख्ता मिलन का डर होवे, पहले ही हनेरी रोकण वाले दे चरना चरण फड़ लवे। जदों वेखो अंदर काम खराब हो रहा है, कोई विकार जन्म लै रहा है, तो उस समय अपने घर विच ही पावें, जे गुरु साहब का प्रकाश है तो उत्थे जाके, नहीं तो जे कोई तुसी पूजा का स्थान बनाया है जिथे बैठ के बाणी पढ़ते हो जब गुरु साहब के सरूप अगे ही ढह के बेनती कर दिया करो। कदी करके वेख्यो गुरु की ड्यूटी लग जाती है तुहाडे अंदर की हनेरी नूं कंट्रोल करन दी, वह संभालदा है, नहीं तो यह हनेरी घर उजाड़ देती है, परिवारां विच पखेड़े खड़े कर देती है, भरावां विच दुश्मनी कर देती है, तलाक तक की नौबत आ जाती है, भाई वालियां तोड़ देती है, सब कुछ हुंदियां जिउणा औखा कर देती है। दास गुरु के भरोसे नाल दावे नाल लिख रहा है कि जिहड़ा इस तरह गुरु की शरण लवेगा, गुरु की ओट आसरा लवेगा, वह हर तरह के विकारा की वासना की अग तो बच जाएगा, गुरु उसके सारे औगण अपने बख्शिश नाल दूर कर देवेगा। कुछ कु समा होया दास नूं एक भैन मिली ते कहन लगी कि बड़ा औखा जिहा समा बन गया है, मेरे ते बड़ी मुश्किल की घड़ी बन गई है। दास ने पूछा कि ऐसी की गल हो गई है, वह कहन लगी कि वैसे तो गुरु की बड़ी बख्शिश है, वाणी भी पढ़ती हाँ ते संगत भी करती हाँ, आंडा मीट खाना भी गुरु की कृपा नाल बड़े सालों तो छड़िया है, पर 2 महीने हो गए हैं पता नहीं क्यों मेरा आंडा खाने बहुत मन करता है, बार बार ध्यान इधर जाता है, सोझी भी है, पता भी है कि नहीं खाना,
पर मन बदो बदी इधर दौड़ता है। किसी वेले तो इन्नी कु काल पैंदी है कि जदों किसी नूं खांदा देखदी हाँ तो दिल करता है कि इस कोलों खो के खा लवां। ये कई बारी ऐसा हुंदा है गुरु की कृपा नाल कोई औगण तुहाडी जिंदगी विचों निकल चुका हुंदा है, पर कई बारी पूर्वले कर्मा करके वासनावां विकार जन्म लेंदे हन, विपता का समा बन जाता है। बड़ा वधिया सवाल सी उस भैन का, पता भी है नहीं खाना पर मन नहीं खिलाउंदा की करा। इत्थे दास एक गल खोल देवे, कई शरीर यह कह देंदे हन कि साडा कि आंडा खाना जायज है, पर बाणी दीआं पंगतियां तो भी सानू सेध मिलती है कि आंडे विच भी ओही वसदा है। अंडज जेरज उत्पुज सेतज तेरे किते जनता, एक पुरब मैं तेरा देखिया तू सबना माहे रवंता। भाई वीर सिंह जी दे बचन हन कि जेड़ियां वस्तुआं विच 20-25% जान है ओही खानियां जायज हन, जिन्हां विच पूरी जान है ओ खानियां जायज नहीं हन। जो सब्जियां जां फल असी खांदे हाँ इन्हां विच चौथा हिस्सा जान गिनी गई है। पत्तियां विच भी जान है, यह भी वधदे फुलदे हाँ, इन्हां विच भी 25% जान गिनी जांदी है। भाव कि किन्ने भी पदार्थ निरंकार ने साडे खाण लई बनाए हन, जिन्हां विच चौथा हिस्सा जान गिनी जांदी है ओही खाने जायज़ हन, जिन्हां विच पूरी जान है ओह खाने जायज़ नहीं। हुण उस भैन का सवाल सी कि मन किसी ऐसे पदार्थ वाल तुर पिया है जो गुरमत अनुसार खाना जायज नहीं। दास ने उसनों बेनती की कि तू साहस रखी, हिम्मत ना हारी, अपने मन नूं हावी ना होण देवी, गुरु दियां कथा कहानियां सुना के अपने मन नूं उधर मोड़न का यतन करी, ते नाल ही अपने मन नूं यह समझा कि मना जिस गल विच मेरा मालक मेरा कलगीधर पिता राजी नहीं तू उधर क्यों दौड़ता है। एक गल पक्की जान लैनी कि सारे सुख सारिया खुशियां गुरु की प्रसन्नता विच हन, जे गुरु की खुशी ना मिली तो सुख भी दुख बन जाते हैं। गुरसिख गुरु नाल अंदरों प्यार करने वाले दा तां जे गुरु रुस जावे उहदा तां जीउणा औखा हो जाता है, एक पल भी कटना औखा हो जाता है। ता ही तां बाबा ईशर सिंह जी पढ़ाउंदे सन, मेरा रुसे ना कलगियां वाला जग पावे सारा रुस जाए, मेरा रुसे ना कलगियां वाला जग पावे सारा रुस जाए। दास ने उस भैन नूं बेनती कीती कि पहली गल तां तू अपने मन नूं मजबूत रखी ते दूसरा तू अपने जप तप वधा दे, अपने नितनेम तो इलावा एक पाठ सुखमनी साहब का नित करके गुरु साहब के चरणों में अरदास करी जा कि सतगुरु जी आप ही कृपा करो ते मेरे मन नूं मोड़ो, मेरा मन ऐसी चीजा वल दौड़ रहा है जिसकी गुरमत अनुसार मनाही है, आप ही मैनू संभाल लवो, किधरे मैं अपने मन के मगर लग के गुरमत के उल्ट ना तुर पवां। यह मेरा मन जो गलत पासे दौड़ रहा है ये आप जी की ही कृपा नाल वस विच आ सकता है, क्योंकि बाणी दियां ही पंक्तियां हन, मन बस आवे नानका जे पूरन कृपा होए। ए उसे बीबी ने आप दसिया कि एक महीना पाठ करन ते अरदास करन तो बाद पता नहीं सी कि बिरती बन गई कि सुरती विच इंज नजर आने लग पिया कि जिवें किसी ने आंडा पकड़िया है उबलिया तो उस आंडे नूं कीड़े चमड़े हुए हैं, सुरती च इंज नक्शा बन गया जो मन कहिंदा सी कि हथों खो के खा लवा, हुण ध्यान भी आवे तो आंडे नाल कीड़े नजर आउंदे हन, हुण ख्याल भी आवे कि खो के खा लवा आंडा सगों उल्टी आण नूं करदी सी कि आंडे नाल कीड़े चंबड़े हन, भाव उसकी कृपा नाल ही मन वस विच आउंदा है। एक गल याद रखियो, जदों असीं बाणी दा नितनेम वधा के गुरु साहिब दे चरणां विच अरदास करदे हाँ तां उह आपे साडी बांह फड़ लैंदा है, उसकी ड्यूटी लग जाती है साढ़े अंदर पैदा हुए औगण नूं माड़ी मत नूं विकार नूं वासना नूं दूर करन दी, जिवें बाणी दियां ही पंक्तियां हन, बाह पकड़ कढ लेने अपने रह अंध कूप ते माया, सिर्फ लोड़ है उसकी शरण आउण दी, उसका बनन दी, उसके चरणां च निमाणे होके बेनती करन दी।
ਇਹ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੱਤਵੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਦਾਸ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਵੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਸ਼ੈ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਤੇਰੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਿਕਾਰ ਤੇਰੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੰਕਾਰ, ਲੋਭ, ਕ੍ਰੋਧ, ਕੋਈ ਵੀ ਔਗਣ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਔਗਣ ਪ੍ਰਤੀ ਨੇਮ ਵਧਾ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਡਿਊਟੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਉਸ ਔਗਣ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ। ਇੱਕ ਸੁਮੱਤ ਮਿਲੀ ਸੀ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲੇਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬੈਠੇ ਸਨ ਕਿ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ, ਨਾਲ ਚਾਰ ਪੰਜ ਸਰੀਰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਨ। ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਉਹ ਸਰੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਉਸ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦਾ? ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੇ ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਸਦੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਤੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਤੇਰੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈਏ। ਆਪਣੇ ਔਗਣ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਅਸਲੀ ਮਰਦ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਸਰੀਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ, ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਦੀ ਕਦੀ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ। ਕਦੀ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਵ ਕਿ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ, ਆਪਣੇ ਔਗਣ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸਲੀ ਮਰਦ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ, ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਛੱਡ ਦੇ, ਨਾ ਪਿਆ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੜਾ ਮਰਦੇ ਪਈ ਤੂੰ, ਸੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਈ ਕਿ ਪੀਂਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਤੇ ਛੱਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਨੀ ਹੱਥ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕਰੀ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਉਸਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਛੱਡ ਦੇ। ਉਸਦਾ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਵੱਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਔਗਣ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਚਨ ਮੰਨ ਲੈ। ਇੱਕ ਪਾਠ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਨਿਤਨੇਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਧਾ ਤੇ ਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇਖ ਕਰਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ ਜਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਛੁਡਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਵਿਹੰਗਮ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਾਠ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਨਿਤਨੇਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਗਣ ਛਡਾਉਣ ਦੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਠ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਔਗਣ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਦੀ, ਤੂੰ ਛੁਡਾ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਉਸਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਛਡਾਉਣ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਆਪ ਬਿਰਧ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਇਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਔਗਣ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਿਰਧ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਲਗਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਛੱਡੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਔਗਣ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਵੋ ਪਰ ਬੇਵੱਸ ਹੋਵੋ, ਛੱਡ ਨਾ ਸਕੋ, ਛੱਡਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰਕੇ ਨਾ ਬੈਠ ਜਾਣਾ। ਆਪਣੇ ਉਸ ਔਗਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨੇਮ ਵਧਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਉਸ ਔਗਣ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਿੱਧ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਅੱਗੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸੱਤਵੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੀ, ਜੇਕਰ ਆਪ ਜੀ ਕੋਈ ਔਗਣ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਵੱਸ ਨਹੀਂ, ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਪ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨੇਮ ਵਧਾ ਲਓ, ਫਿਰ ਔਗਣ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ।
धन श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। संगत जी, फुला चुका भी माफी बख्शना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत धन्यवाद कीजिए श्लोक। गुरुदेव माता, गुरुदेव पिता, गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा, गुरुदेव सखा ज्ञान पंचन, गुरुदेव बंधक सहोदरा, गुरुदेव दाता हर नाम उपदेसा, गुरुदेव मंत निरोधरा, गुरुदेव शांत सतबुद्ध मुहूर्त, गुरुदेव पारस परस्परा, गुरुदेव तीरथ अमृत सरोवर, गुरु ज्ञान वचन परंपरा, गुरुदेव कर्ता सब पाप करता, गुरुदेव पतित पवित्र परा, गुरुदेव आज जुगा जुग जुग, गुरुदेव मंत हर जप उदरा, गुरुदेव संगत प्रबनेल कर कृपा, हम मूड पापी जित लग परा, गुरुदेव सतगुर पार ब्रह्म परमेश्वर, गुरुदेव नानक हर नमस्करा। गुरुदेव सतगुर पार ब्रह्म परमेश्वर, गुरुदेव नानक हर नमस्करा। सोहेला साहेब सोरठ माला पंजवा, गुरु का शब्द रखवारे, चौके चौगिर्द हमारे, राम नाम मन लागा, जमर जय कर पागा, प्रभ जी तू मेरो सुखदाता, बंधन काट करे मन निर्मल, पूरन पुरख विदाता, रहाओ नानक प्रभ बिनासी, ताकि सेव न मिर्थी जासी, अनंत करे तेरे दासा, जप पूरन होई आसा। मिलावल महला पंजवा, ताती वाव न लग गई, पार ब्रह्म शरण आई, चौगिर्द हमारे राम कार, दुख लगे न पाई, सतगुर पूरा पेटिया, जिन बनत बनाई, राम नाम खदिया, एक काल बुलाई, रहाओ राख लिए तिन रखन हार, सब ब्याद मिटाई, कहो नानक कृपा करी, प्रपे सहाय। श्लोक। जय साधु गोविंद भजन कीर्तन, नानक नीत, ना हो ना तू न छुटे, निपट न जाइयो दूत। श्लोक महला पंजवा। मन में चितवो चितवनी, उदम करो उठनीत, हर कीर्तन का आहरो, हर देहो नानक के नीत। पौड़ी। रहन दिन सुप्रभात, तू है ही गावना, जी जंत्र सरबत तेरा, ना तेरा त्यावना, तू दाता दातार तेरा दिता खावना, ज भगत जना के संग पाप गवावना, जन नानक सद बलिहार है बल बल जावना। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सोहेला राग गौड़ी दीप के महला पहला। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, जयकर कीरत आकी है, करते का होए बिचारो, इतकर गावो सोहेला, सिवरियो सिरजन हारो, तुम गावो मेरे निरपाओ का सोहेला, हो बारी चित सुहेला, सदा सुख होए रहाओ। नित नित जियड़े संभालियन, देखेगा देवन हार, तेरे दाने कीमत ना पवे, तिस दाते कमन सुमार, संबत साहा लिखिया, मिलकर पाप होते, देव सज्जन असीस सड़िया, जो हो वै साहिब सो मेल, कर कर ए हो पहुंचा, सदड़े नित पवन, सदन हारा सिमरिये, नानक से दे अवन, राग आसा महला पहला, छे कर छे गुर छे उपदे, गुर गुर एको वेश अनेक, बाबा जयकर करते कीरत होए, सोकर राख बढ़ाई तोए, रहाओ विसुए चसिया कड़िया पहरा, तिती वारी माओ हुआ, सूरज एको रुत अनेक, नानक करते के ते वेश, राख नासरी महला पहला। गगन में थाल रवचंद भी दीपक, बने तारिका मंडल जनक मोती, तूप मले आन लो पवन चवरो करे, सगल बन राय फुलंत ज्योति, कैसी आरती होए पव खंडना तेरी आरती, अनहता सबद वाजन तेरी, रहाओ सहस तव नैन नन नैन है तोहे को, सहस मूरत नना एक तोही, सहस पद विमल नन एक पद बंदिन, सहस तव गंधिव चलत मोही,
ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਈ, ਤਿਸਦੇ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹੋਈ, ਤਿਸਦੇ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹੋਏ, ਗੁਰਸਾਖੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਜੋਤਿਸ ਭਾਵੇ ਸੋ ਆਰਤੀ ਹੋਏ, ਹਰ ਚਰਨ ਕਵਲ ਮੁਕਰਨ ਲੋ ਬਿਤ ਮਨੋ, ਅਨ ਦਿਨੋ ਮੋਹਿ ਆਈ ਪਿਆਸਾ, ਕਿਰਪਾ ਜਲਦੇ ਨਾਨਕ ਸਾਰੇ ਕੋ, ਹੋਏ ਜਾਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਏ ਵਾਸਾ, ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਗਰ ਬਹੁ ਭਰਿਆ, ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਕੰਡਲ ਖੰਡਾ ਹੀ, ਪੂਰਬ ਲਿਖਤ ਲਿਖੇ ਗੁਰ ਪਾਇਆ, ਮਨ ਹਰਲੇ ਗੁਮੰਡਲ ਮੰਡਾ ਹੀ, ਕਰ ਸਾਧੂ ਅੰਜਲੀ ਪੁਨ ਵਡਾ ਹੇ, ਕਾਢਣ ਡੋਤ ਪੁਨ ਵਡਾ ਹੇ, ਰਹਾਉ ਸਾਕਤ ਹਰ ਸਾਧ ਨ ਜਾਣਿਓ, ਤਿਨ ਅੰਤਰ ਹੋਮੇ ਕੰਡਾ ਹੇ, ਜੋ ਜੋ ਚਲੇ ਚੁਭੈ ਦੁਖ ਪਾਵੈ, ਜਮਕਾਲ ਸਹਿਜ ਸਿਰ ਰੰਡਾ ਹੇ, ਅਰਜਨ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਣੇ, ਦੁਖ ਜਨਮ ਮਰਨ ਪਵ ਖੰਡਾ ਹੇ, ਅਵਿਨਾਸੀ ਪੁਰਤ ਪਾਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਬਹੁ ਸੋਭ ਖੰਡ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਡਾ ਹੇ, ਹਮ ਗਰੀਬ ਮਸਕੀਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੇ, ਹਰ ਰਾਖ ਰਾਖ ਵਡ ਵਡਾ ਹੇ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਟੇਕ ਹੈ, ਹਰ ਨਾਮੇ ਹੀ ਸੁਖ ਮੰਡਾ ਹੇ, ਰਾਖ ਕੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਕਰੋ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਮਿਤਾ, ਸੰਤ ਟਹਿਲ ਕੇਲਾ, ਇਹਾ ਕਾਠ ਚਲੋ ਰਰ ਲਾਹਾ, ਆਗੇ ਬਸਨ ਸੁਹੇਲਾ, ਔਦ ਕਟੈ ਦਿਨ ਸਰਹਿਣਾ ਰੇ, ਮਨ ਗੁਰਮਿਲ ਕਰ ਵਿਕਾਰ ਸੰਤੇ ਮੈਂ, ਤਰਿਓ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਜਿਸੇ ਜਗਾਏ ਪਿਆ ਵੈ ਇਹੋ ਰਸ, ਕਥ ਕਥਾ ਤਿਨ ਜਾਨੀ, ਜਾ ਕੋ ਆਏ ਸੋਈ ਬਿਹਾਜੋ, ਹਰ ਗੁਰ ਤੇ ਮਨੇ ਬਸੇਰਾ, ਨਿਜ ਕਰ ਮਹਿਲ ਪਾਵੋ ਸੁਖ ਸਹਿਜੇ, ਬਹੁ ਨ ਹੋਏ ਕੋ ਫੇਰਾ, ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤੇ, ਸਰਦਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਇਹ ਸੁਖ ਮਾਗੈ, ਮੁਖ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਤੂਰੇ, ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤੇ, ਸਰਦਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਇਹ ਸੁਖ ਮਾਗੈ, ਮੁਖ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਤੂਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਲੋਕ ਗੁਰਦੇਵ ਮਾਤਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਵਾਮੀ ਪਰਮੇਸਰਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਖਾ ਗਿਆਨ ਪੰਜਨ, ਗੁਰਦੇਵ ਬੰਦਿਤ ਸਹੋਦਰਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਦਾਤਾ ਹਰ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸੈ, ਗੁਰਦੇਵ ਮੰਦ ਨਿਰੋਧਰਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਾਂਤ ਸਤਪੁਦ ਮੂਰਤ, ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਰਸ ਪਰਸਪਰਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਤੀਰਥ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ, ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਮੰਜਨ ਪਰੰਪਰਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਕਰਤਾ ਸਭ ਪਾਪ ਹਰਤਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਪਤਿਤ ਪਵਿਤ ਕਰਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਆਦ ਜੁਗਾਦ ਜੁਗ ਜੁਗ, ਗੁਰਦੇਵ ਮੰਤ ਹਰ ਜਪ ਉਦਰਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਭ ਮੇਲ ਕਰ ਕਿਰਪਾ, ਹਮ ਮੂੜ ਪਾਪੀ ਜਿਤ ਲਗ ਤਰਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਗੁਰਦੇਵ ਨਾਨਕ ਹਰ ਨਮਸਤਰਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਗੁਰਦੇਵ ਨਾਨਕ ਹਰ ਨਮਸਤਰਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਰਦਾਸ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ, ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦਾਸ ਸਹਾਇ, ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਮਰੋ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰ ਰਾਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਡਿੱਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਜੀ ਸਾਈ, ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਬਾਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਂ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਂ, ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਤ, ਸੱਚੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਜਾਏ ਹਨ, ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਂਦਿਆਂ ਅਨੇਕੀ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪਾਠ ਕੀਤੇ ਹਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਉਪਰੰਤ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਹੋਏ ਹਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਉਪਰੰਤ ਸ੍ਰੀ ਕੀਰਤਨ ਸੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਹੋਏ ਹਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਅਨੇਕ ਅਨੇਕ ਫੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ
ਬਲ ਬੁੱਧੀ ਸਮਰਥਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਦਾਤਾ ਜੀ ਬਾਣੀ ਬੜੇ ਹੀ ਅਦਬ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਕਰੋ ਦਾਤਾ ਜੀ ਬਖਸ਼ ਲਓ ਹਰੀ ਗੁਰੀ ਹੀ ਪਾਉਣਾ ਦਾਤਾ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਖਸ਼ੋ ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਬਖਸ਼ਣਾ ਆਪ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਪਿਤਾ ਹੋ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਲਵੋ ਦਾਤਾ ਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਵੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਦਾਤਾ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਔਗਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਔਗਣ ਦਾਤਾ ਜੀ ਔਗਣ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹਨ ਮਾਫ ਕਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੇਹਰੋਤਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਭਰਿਆ ਜੀਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਭ ਦੇ ਬਖਸ਼ ਨਾਮ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਚਾਰ ਘਰ ਦਿਨ ਦੇ ਸੁੱਖ ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮਿਲੋ ਜਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੁਣ ਲਈ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੁਣ ਲਈ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਈਆਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਆਪ ਦੀ ਸਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੋ ਦਿਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਕੀ ਦਿਨ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਲਈਏ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰੇ। ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਬੋਲੇ ਔਰ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਬੋਲੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਲਿੰਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਜੋ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣ ਪਲੀਜ਼ ਆਪ ਜੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਕੀ ਰਾਏ ਆ ਪਲੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ, ਫਿਰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰੀਏ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਕਰ ਲਓ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ ਕੁਛ ਆਈਡੀਆ ਜੋ ਬਈ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੋਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਰ ਲਈਏ ਸੰਗਰਾਂਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਰ ਲਈਏ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੀਟੇਲ ਦੇ ਰਹੇਗਾ। ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਹੀ ਔਰ ਸੰਡੇ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਡੇ ਮੇਰਾ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੁਪਹਿਰੇ 1 ਵਜੇ, ਸੰਡੇ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ 1 ਤੋਂ 2:30 ਤੱਕ ਅਗਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਂ ਦੋ ਦਿਨ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ੁੱਕਰ ਰੱਖ ਲਓ ਕੁਛ ਦਿਨ ਵੀਰ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ।
संगत जी बाकी संगत भी एक बार अपना एक वोट दे दो फिर जिस तरह भी होगा फिर कल शाम के दीवान जिसमें फाइनल कर देंगे। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु फतेह जी। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲ ਕੇ ਪੰਕਤੀਆਂ? ਹਾਂ ਹਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਿੰਕ ਦੂਸਰਾ ਦਵਾਂਗਾ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਲਿੰਕ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਬੋਲੇਗੀ ਔਰ ਅਗਲੀ ਸੰਗਤ ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਗਲੀ ਪੰਗਤ ਬੋਲੇਗੀ ਔਰ ਫਿਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਆਏਗਾ ਇੱਕ ਦੋ ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਬਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿਣਗੇ ਹਨਾ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿ ਸਭ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਆ ਜਾਣਗੇ ਨਾ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆਡੀਓ ਤੇ ਵੀ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿੰਦੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਪੰਕਤੀ ਹਾਂ 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 ਯੈਸ 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 ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਹਫਤੇ ਦੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਏਗੀ ਸਭ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ शनिवार नूं या शुक्रवार नूं कल शाम दे दीवान विच संगत जी असीं इहदे डेट और डे और टाइम डिसाइड कर लांगे और फिर इस हफ्ते तों इंप्लीमेंट कर दांगे अगे दिओ संगत जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह संगत जी।